हम नमाजों में पढ़ते हैं इसलिए इफ्तार भाई की ख्वाहिश ये है कि मताले को थोड़ा सा भरपूर किया जाए यानी भरपूर भी तो हम बस कहने को है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा तो आप सब भाइयों से ये दरख्वास्त होगी कि शायद आज हमारे प्रोग्राम में कुछ मिनट ज़्यादा हो जाए तो आप इस पर शामिल रहिएगा इन शाह प्रोग्राम के केखतिताम पे हम इनशल अजीज एक बात जो पहले भी आई थी कि एक पैगाम कि हमने इस कुरान का किया है ये कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है इस पर इनशाला अजीज दस बारह मिनट की चंद बातें मैं आपके गुजारिश करूँगा और इसके बाद दुआ पे हम इस प्रोग्राम का अख्तितम करेंगे दुआ के बाद इन प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा लेकिन हम कुछ वक्त के लिए बैठे होंगे जो भी साथी हमारे साथ शरीक होना चाहें कुछ बात शेयर करना चाहें तो इंशा अल्लाह उसका मौका होगा कि हम आपस में जो है वो गुफ्तगू करेंगे तो मैं इफ्तिखार भाई से एक अदबिश करूंगा कि सूरतुल आला से मुताबिक आवाज फरमाइए दाखला जावेद साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन करीम अम्मा बादु व औजु मिनश शैतानिर रजीम

ये तज़क़ीर की नोयीत की सूरत है इसमें अल्लाह क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तज़क़ीर का हुक्म दिया कि आप याद दिहानी कराइए इसी कुरानी हकीम के ज़रिए से आप लोगों को इंतज़ार कीजिए आप अलैहि वसल्लम का आम मामूल था कि इस सुर आला को आप पहली रिकात अगर वो तीन रिकात वाली फितर आप पढ़ते थे तो इस फिर की पहली रिकात में अक्सर व्यशतर तलावत करते थे इसके अलावा जुमे के खुद जुमे के दिन जो दो रिकात नमाज पढ़ी जाती है और ईदिन की दो नमाज है उसके अंदर भी आपका आम मामूल था कि सूर्य आला और सूर्य गाशिया इन दोनों की करार आप फरमाया करते थे क्योंकि ये असल में तजगीर के अतबार से एक बड़ी जाम सूरत है तो इर्शाद होता है कि सब हिसम रब आला कीजिए तस्वीर कीजिए अपने रब की जो बहुत आला है इंतहाई आला और बुलंद मरतबा है उसकी तस्वीर बयान कीजिए लिहाजा हम इसकी तस्वीर इसी अंदाज से बयान करते हैं सजदे में सुबहान रबी सुबह रबी पाक है वो हमारा रब जो कि आला है अलजी फंसा हुआ वो जिसने के तख्लीक किया और फिर उसकी नोक पलट को संवार दिया यानी एक तो उसकी खलाकी है और खलाकी के बाद उसकी फिनिशिंग है यानी जब कोई चीज़ तख्लीक की जाती है स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है अगर मकान को हम बनाते हैं इसके बाद फिर उसकी फिनिशिंग है तो अल्लाह तल तान फरमाने का ना सिर्फ ये कि अल्लाह वो खालिक है बल्कि यह है कि उसको इंतहाई खूबसूरत टचस देता है फिनिशिंग टच देता है उसको संवार देता है फिर व कदर फहादा, वो अल्लाह तौ उसकी तकदीर मुकर करता है जो चीज़ भी तख्लीक करता है उसके एक अंदाज़ा मुकर करता है उसकी, है, उसकी उसको वो किस तरह से वो चलेगा फहादा फिर उसको रास्ता दिखा देता है ये वो उसका क्या क्या तकदीर होगी क्या अंदाज़ा होगा और किस तरीके से वो वर्क करेगा ये है फादा ये अल्लाह तला की उसी तो तरह नबाता में और तकलीफ तुम देखते रहते हो उसी तरह नबाता में भी ये तखलीक है फरमा रहे हैं जो असल मौजूद है कि इब्तदा में कुछ कस्मे खाकर कुछ अल्लाह तन्ना की और सन्नाई को बयान करके फिर वो असल मौजू की तरफ आते हैं अल्लाह तला के सन का फला कि ये कुरान भी इसी तरह एक दिन अपने इतमाम को पहुंचेगा यानी जिस तरह से ये ये तुम खलाक देख रहे हो ये तुम सब्जा को देख रहे हो ये चारों को देख रहे हो अपने नबात को देख रहे हो कि ये अपने इतमाम को पहुंचती है अजस्ता उसी तरह कुरान भी अभी जो नाजिल हो रहा है वो अनकरीब अपने तकमील को पहुंचेगा तो सनुकरियो का फलातनसा तो हम जल्द आपको यह पढ़ा देंगे और आप हरगिज भूलेंगे नहीं आप इसको याद रखेंगे इल्ला माशा अल्लाह सबाय इसके ये चाहे इनो यालम अलजहरा वमा यक्फा जो के जाहिर को भी जानता है और पोशीदा चीजों को भी जानता है वनो यसिरु लिल यूसरा और इसी तरह वो आपको दर्जा बदर आसानी की तरफ यानी जब कुरान अभी नाजिल हो रहा है और से लग से लग इसको बयान कर रहे हैं इतदाई दौर की सारी की सारी अक्सर वेशतर सूरते हैं तो जब नबी करीम वसल्लम इसको पैगाम को पहुंचा रहे हैं तो आपको मुश्किल भी पेश आ रही हैं और कोई मान के भी नहीं दे रहा ये आपकी ये तहरीक कामयाबी नहीं हो रही होती हुई नजर आती है अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि जल्द ही अल्लाह ताला आपको सहूलत के रास्ते की तरफ ले जाएगा कि आप आराम से इस कुरान को बयान भी कर रहे होंगे और लोग उसको जौक दर जौक कबूल भी कर रहे होंगे आप तो क्या कीजिए इंजार कीजिए तजगीर कीजिए याद दहानी करा दीजिए इन नफात जिक्र अगर इसकी याद दहानी कराना फायदेमंद है यानी ऐसे ही नहीं याद दहानी करा दे बल्कि करा दीजिए बल्कि कि जिसको फायदेमंद है जो इस याद दहानी से कुछ फायदा हासिल करता है उसको आप याद दहानी कराइए सेक करो मई यकशा तो जल्द वो याद दहानी हासिल कर लेगा जो कि डरता है जिसके अंदर खशियत है वो उससे याद दहानी हासिल कर लेगा और वन हल का है बदबक है नालायक है इसके अंदर खशियत नहीं है डरता नहीं है बेपरवाह है वो इससे दूर रहेगा पहलू तो 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 वहां मरेगा और ना उसको जिंदगी मिलेगी वो वहां जो जाएगा तो ऐसे नहीं कि उसको मौत आ जाएगी मौत भी आ जाए तो चैन है सुकून है उसको वो चैन और सुकून भी नसीब नहीं होगा ना तो उसको मौत के वहां कैफियत होगी और ना ही वो जी रहा होगा तजक्का कामयाब हो गया वो जिसने की अपनी तजकिया कर लिया अपने आप को पाक कर लिया अपने नफ्स को हर आलूदगी से पाक कर लिया यानी दुनिया में जो हम भेजे गए हैं वो इसीलिए भेजे गए हैं कि हम अपने नफ्स को हर आलूदगी से पाक करें नबी करीम जो आते हैं या नबी जो आते हैं वो क्यों आते हैं ताकि आपको आपका तजकिया करें हम पढ़ चुके हैं कि आप आपके ये जो फराइज मनसबी है जो चार मरतबा कुरान ने हकीम आए आया कर ताकि वो आपका तजकिया करें तजकिया कर लेगा अपनी नफ्स के को तमाम आलूदगी से पाक कर लेगा इन सतह पर भी और इज्तमी सतह पर भी अपनी जिसमानी वजूद को भी अपने अखलाकी वजूद को भी अपने रूहानी वजूद को भी अपनी माशती जिंदगी को भी अपनी माशी जिंदगी को भी अपनी तमाम इज्तमी गोशे में जो तजकिया कर लेगा वो कामयाब हो गया वजह करस ही फसल ला और जिसने अपने रब को याद किया उसके नाम को और फिर उसने नमाज पढ़ी नम, अपने रब के नाम से रब को याद करता है उस अपने रब के नाम है और नमाज पढ़ता है तो वो कामयाब है।, तो है, है? है और बाकी रहने वाली भी है हादा लफी उला। यही बात में भी थी। ये कोई नई बात नहीं है जो कि मोहम्मद कह रहे हैं तमाम नबी इसी बात को लेकर आते हैं कि देखो जिस दुनिया में दुनिया आर्जी है यहाँ पर तुमको हमेशा नहीं रहना एक और दुनिया आने वाली है आखिरत जो हमेशा रहेगी और बाकी रहेगी वो आखिरत तो खैर जो इस दुनिया से भी बहुत बेहतर है और अबका बाकी रहने वाली है तो इन हाजा लफी सोफी डोला यही बात तो पुराने सैफो में भी थी सोफी इब्राहिम अब मूसा खब इब्राहिम का सैफा या मूसा का सैफा यही बात थी इसमें हल अता का हदीस शुरू होती है बसमी और का कि क्या इनके पास नहीं आई वो जाने वो, जो जाने वाली है। वो आएगी तो सब चीज़ पर छा जाएगी दिन खाशिया उस दिन उनके चेहरे बिल्कुल उतरे हुए होंगे कुछ यानी कुछ लोग बल्कि कुछ कितने ही चेहरे वजून कितने ही चेहरे ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल उतरे हुए होंगे आमत

खाने से ना तो उनको कोई ताकत मिलेगी ना कोई मोटापा आएगा और ना ही उसकी उनकी भूख खत्म होगी लेकिन वजू हूँ योजना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे बड़े तरो ताजा होंगे लिसा राज यार, अपनी सही पर अपनी कोशिश पर बड़े राजी होंगे उनको बड़ा बड़ी खुशी होगी जो उन्होंने मेहनत और कोशिश इस दुनिया में की तो उस मेहनत और कोशिश का वो वो फल पाएंगे वह जन्नतिन आलिया बड़ी आला जन्नत बागात में होंगे लातमोफिया लाग या उसके अंदर कोई बकवास भी नहीं सुनेंगे वहां पर जारी है उसके अंदर चश्मा होगा जो कि जारी होगा फीसर मरफू हुआ उसके अंदर तख्त होंगे ऊंचे ऊंचे वो अकवाब जाम होंगे जो बड़े करीने से लगे हुए होंगे वह नमार को मसफूफा गालीचे वॉल टू वॉल कारपेट बिछे हुए होंगे वह जरा भी और गद्दे होंगे जिसके अंदर वो बैठे होंगे यानी एक नक्शा खरीदा गया है दुनियावी एबार से जो जो हम पसंद करते हैं कि वो अला तरीन जन्नत में होंगे अल्लाह ताला हमें ये जन्नत नसीब फरमाए फिर भी ये लोग ये लोग सुनकर नहीं देते मान के नहीं दे रहे क्या ये गौर नहीं करते इनकी तरफ अब तो, तो, का रुख बदल रहा है ये जो है। वो जरा गौर करें कि अफला जरूर कैफा खोले करें कि हम करेंगे हमने ये ऊँट को कैसे तख्लीक किया जिस पर ये बैठते हैं सवारी करते हैं इसका खालिक कौन है क्या तुम हो तुमने इसको बनाया नहीं जरा गौर करे किसने इसको तख्लीक किया कैसे तख्लीक किया वैफा रुफ और आसमान को हमने कैसे बुलंद किया और पहाड़ को हमने कैसे नसब किया लोग करते थे ऊंट पर बैठे ऊंट पर, तो पर आसमान आसमान को देखें इर्द गिर्द क्या है पहाड़ी इलाके जरा पहाड़ को देखें नीचे जमीन यानी चारों चीजों का अल्लाह तहता किया तो, तो जब तुम ऊंट पर बैठ जा रहे हो सफर करो तो अल्लाह खलाकी और सन्नाई पर जरा गौर करो तो

गवाह है ये कुछ लोग अनम्यूट हो गए वालयालिन अशर और गवाह है ये दस रास्ते दस रातें व शफ ए वल वतर और ये गवाह है ये जुफ्त ये ताक ये और, और ये अच्छा, ये आ रही मेरी आवाज आ रही ना जी सुहेल भाई आवाज आ रही जी आ रही है इफ्तार भाई आप जारी रखिए अच्छा अच्छा ठीक सही फजर का मैं मतलब कर रहा था कि गवाह है फजर और गवाह है दस रातें और गवाह है जुफ्त और ताक और गवाह है वो रात जो कि चली जाती है हल फाल कसम क्या इस इन गवाही में इन कस्बों में लोगों के लिए अकलमंद लोगों के लिए सोचने वालों के लिए कोई निशानियाँ मौजूद है कुछ सोचते हैं उनके नजदीक यानी बयान किया जा रहा है कि तो दिन कैसे आस्ता आिस्ता गुजर रहा है फजर से मुराद हर रोज जो फजर वजर नमोदार होती है तो एक दिन गुजर गया तुम्हारा एक दिन घट गया अश दस रातें चांद जो है वो दस रातों में अपना अपना नक्शा बदलता है आसमान पर तो लिहाजा वो जो दस रातें गुजर गई चांद के जो दस रातें जो गुजर जाती हैं ये इसलिए हर महीने को तीन अशरे में तकसीम किया जाता है पहला अशरा दूसरा अशरा और तीसरा अशरा तो ये देखो जब एक अशरा गुजर गया तो तुम्हारा वक्त गुजर गया व शफी आ, इसके बाद फिर महीनाक से तो लिहाजा इस तरह से दस दस रातों के बाद एक महीना गुजर गया वो ले ले क्या हो रहा है रफ्ता रफ्ता तुम क्यामत की तरफ जा रहे हो लकड़े में पड़ चुके और यह भी पढ़ चुके आज रफ्तारफ़्त तुम अपने रब की तरफ जा रहे हो मुलाकात कर रहे हो तो ये रफ्तार रफ्तार तुम्हारा दिन गुजर रहा है दिन दिन से दस दिन दिन से दस से से महीना महीने साल और इस तरह से होते होते क्या होगा कि तुम अपने रब से बिल आखिर मुलाकात करोगे ये निशानी तुमको आसमान पर नजर नहीं आ रही तारा कई सफाला रब आज फिर यह है कि कुछ है। कौमों का तस्कर अल्लाह तला तला ने किया जरा आत को देखो जरा समूत को देखो निशा हमने क्या मामला किया उन्होंने जब झुटलाया तो हमने उनको अजाब से दो चार किया फिरौन को देखो फिर बड़ा मेखो वाला फिरौन था उसके साथ क्या किया हमने गलत कर दिया उस, जब भी उसने फसाद मचाया। फाक फसाद। तो, तो इंसान का मामला यह है कि जब उसको उसका रब आजमाता है और उसको इज्जत अता करता है बना आमहू और उसको नियमत अता करता है फ्यकुल रबी अकरमन तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे तंग कर देता है फजा रबी आहानी जलील कर दिया यानी जब उसको अल्लाह तीन नियमत देता है तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे बड़ी नियमत अदा की और जब अल्लाह तक उससे नमत छीन लेता है उसको रज को तंग कर देता है तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया इसमें गलती क्या हुई अल्लाह आगे बयान फरमा सबारे कल नहीं तो क्या उसने गलती की इंसान ने गलती यह हुई इसके अंदर कि वो ये दुनिया की आजमाइशी को ये दुनिया ये आजमाइश है इम्तिहान है दुनिया की नेमत को असल नेमत समझता है और दुनिया में कोई चीज़ छूट जाए तो उसको समझता है कि ये कोई अहानत है ये कोई जिल्लत है ये दुनिया असल में इम्तिहान की जगह है इसलिए यहाँ पर बयान किया कि फॉम्बल इंसान इला मब तला हो कि जब इंसान को उसका रफ आजमाता है तो उसको कभी नेमत देकर आजमाता है और जब इंसान को अल्लाह तबा तला कभी आजमाता है नियमत छीन कर आजमाता है यानी दोनों को दोनों शक्लें आजमाइश है और इंसान का मामला क्या है कि वो नियमत को समझता है अल्लाह का बड़ा करम हुआ और जब कोई मामला ऐसा हुआ कि उसको कोई तंगी आ गई तो कहा कि अल्लाह ताला ने बड़ा मुश्किल में मुझे डाल दिया अल्लाह ने मुझे दलील कर दिया नहीं इन दोनों चीज़ों को इम्तिहान समझो कभी वो देकर आजमाता है कभी वो छीन कर आजमाता है कल्ला हरगिज नहीं बल्लाम तो बल्कि तुम यतीमों को की इज्जत नहीं करते नहीं तुम दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे हो तो फिर क्या हुआ उसका नतीजा तुम जो करते तो दून अला तो आमिल और तुम मस्किनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते तुरा अकल और तुम मीरास का माल हड़प कर जाते हो मीरास का माल सही तरीके से अपने बहनों को जिन लोगों की इसका हक है उसको नहीं देते बल्कि खुद इस माल पर कब्जा करने की तुम्हारी रविश होती है और बैठ जाते हो तो तुम माल पर बड़े टूटकर मोहब्बत करते हो दुनिया ही कुछ सब समझ रखा है कि यहां पर अगर कोई नेमत मिल जाए तो बस ये बड़ा बड़ी तक है यहाँ पर अगर अल्लाह ताला ने हम छीन ले तो ये बड़े बड़ी जिल्लत है तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि तुम माल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हो इस माल को ना नस्किनों को खिलाते हो ना न जरूरतमंदों को देते हो और जिस तरह माल की मोहब्बत में तुम मीरास का माल भी हड़प कर जाते हो माल की मोहब्बत में तुम टूटे पड़े हो होना माला हुबन जुम्म जम्मा कल हरगिज नहीं इंसान ये समझता है कि वो इस माल को छोड़कर नहीं जाएगा कभी खत्म नहीं होगी ये दुनिया नहीं जब जब कूट -कूट कर बराबर कर वो क्यामत का वक्त जब आएगा वजारो सफआ और उसका रब आएंगे और फरिश्ते आएंगे सफ़े बांधते हुए वजी बे जहनम और जहनम करीब कर दी जाएगी योमाइज करो इंसान और उस दिन इंसान सोचेगा गौर करेगा कि मैंने क्या किया व लहू जिक्र तो क्या होगा आप इस सोचना अब याद करना क्या हुआ अब सोचने का क्या फायदा या हयाती। वो कहेगा कि ए काश मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता यानी इस जिंदगी के लिए या आखिरत की जिंदगी ये असल जिंदगी इसके लिए मैंने कुछ कमाई की होती इसके लिए कुछ आगे भेजा होता फयला बहुद उस दिन अल्लाह तबा ऐसा ऐसा देगा कि ऐसा जाप किसी ने पहले कभी ना दिया होगा यानी वो आखिरत के दिन वल, वला और उस उसका बांधना, ऐसा बांधना होगा, कि पहले को, किसी को ना बांधा होगा या या नफसुल इसके होंगे उस आखरत में। कुछ लोग तो ये कह रहे तनिकम तो लाया काश मैं अपनी जिंदगी के लिए तो कुछ भेजा होता कुछ इसके लिए तो कुछ काम किया होता लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्होंने वाकई यहाँ के लिए कुछ किया होगा तो वो नफ्स से ना होंगे बड़े इतमान से होंगे उनको कोई फिक्र नहीं होगी इसे लेकर उन्होंने सब कुछ यहीं के लिए तो भेजा था बहुत कुछ है यहाँ के लिए उसके पास अल्लाह तो तला फरमाएंगे वो नफ्स जो कि बड़ी मुतमीन है जो बड़ी इतमान से आई है सही काम किया है इस इम्तिहान में काम के मर्जिया लौट जा अपने रब की तरफ चल अपने रब की तरफ तू उससे राजी वो तुझसे राजी फुली इबादी बस तू दाखिल हो जा मेरे बंदों में वली जन्नति और तू दाखिल हो जा जन्नत में अल्लाह ताला हमें इन्हीं में शामिल फरमाए इन्हीं नफ्स मही मा वाले लोगों में रहीम फिर सूरह बलत शुरू होती है इस सूरत में अल्लाह ने शहर इस शहर की यानी मक्के की कसम खाई अल्लाह को बयान किया कि ये मक्के के लोग अब किस कदर कठोर दिल हो गए हैं जरा अपने उस वक्त को याद करें कि जब इब्राहिम इब्राहीम यहाँ आए थे व वालिदी वमा बल्क और इस्माइल ने इनको आबाद किया था कितनी मुश्किल में ये थे कैसे अपने आप को इन्होंने सरवाइव किया लकद खलक में इंसान कबद हमने इंसान को कितनी मुश्किल में पैदा किया और यहाँ पर वो किस मुश्किल में ये थे और अब हमने उनको क्या कुदरत अता कर दी है क्या माल और दौलत से उनको नवाजा नमा, है इस घर के बदौलत इस घर के बदौलत अल्लाह को जो हैसियत दी कुरैश को अल्लाह तला को याद कर रहे हैं अब कहा जा रहा है कि देखो इस माल को अल्लाह तला के राह में खर्च करो ये अजीम घाटी है पहली घाटी तो यही है कि तुम इसको अबूर करो जब इनको माल खर्च करने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं ये यकूल हलफ तो माल मालल मैंने तो बहुत माल जो है वो लुटाया क्या उनको कोई देखने वाला नहीं है अलमज हमने उनको दो आंखें नहीं दी व और दो होठ नहीं दिए नजदैन और हमने उनको दो रास्ते नहीं दिखाए क्या आंखें नहीं दी कि वो देखते समझते वोंट नहीं दिए कि उससे तरगीब देते यतीमों को खाना खिलाने के लिए आगे उसी का तस्करा किया जा रहा है और हमने क्या उनको दो रास्ते नहीं दिखा दिए कि ये नेकी का रास्ता, का रास्ता रास्ता बदी हमने समझाया नहीं दिया था पहले। लेकिन ये घाटी को भूख वाले दिन यतीम उस यतीम की खयाल करना उस ये और वो खाक नशीन हो रहा है उसकी तरफ तवज्जो करना यह असल में घाटी इसकी तरफ ये अबूर नहीं कर सके हमने यही कहा था कि अगर दौलतमंद हो जाओगे माल तुमको जब दिया जाएगा तो माल इन गरीबों और मुश्किलों के लिए लगाना लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और कहा कि हमने तो खूब माल लुटाया और अपनी शेखी में बिगाड़ते हैं ये जिला बयान फरमा रहे ये बुनियादी घाटी है यानी इंसान के अंदर जब तक के दर्द दिल ना हो उनके अंदर रहम दिल का मादा ना हो किसी को परेशान देख तड़प उठने का उसके अंदर जज्बा ना हो तब तक वो उसका ईमान लाना भी बेसूद होता है फिर जो है वो फिर वो उसको ईमान की तोफीक भी नहीं मिलती यानी इंसान के अंदर सबसे अहम खसूसियत ये होनी चाहिए कि उसके अंदर दिल के अंदर रहमी हो वो अब वो कमजोर लोगों को बेकस लोगों को देख कर वो परेशान हो और अपना माल उसके लिए खर्च करे खा यतीम हो या ख्वाह मस्किन हो इसलिए आगे बयान हुआ सुम्मत काना मिनल लज़ीना आम इसके बाद वो ईमान लाए यानी पहले तो ये घाटी अबूर करो जज्बा अगर अंदर अंदर है है रहम दिली का अपने माल का माल खर्च करने तो फिर यह कामयाबी इसी को अल्लाह ताला ने चौथे पाले के शुरू में इस बात को बयान किया था ना कि लंत बिर्रा तो बून। तुम नेकी को तो पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि उस चीज को खर्च ना करो जो तुम्हें बहुत महबूब है इसके बगैर तो कोई नेकी नेकी नहीं है नकी का मजहरावल बयान हुआ था बकरा सोरे बकर सौ सतहत्तर में कि उसका मजहर मजहरावल यह है कि वो अपने माल को खर्च करने का उनके अंदर गरीबों और मस्किनों के लिए वो बड़े रहमदिल होते हैं तो फिर वो शख्स अगर ईमान लाए वतवाबिल सब्र वतवा और तलकीन करे भाई अपने बंदों पर रहम किया करो उलायक असहा ये लोग हैं जो कि दाएं हाथ वाले हैं ये कामयाब होंगे बल्ले कफुर भी आयातना और वो लोग जिन्होंने कफुर किया हमारी आयत के उम मशमा ये लोग होंगे जो के बाएं हाथ वाले होंगे वो आग में होंगे जो कि बंदी हुई होगी उनकी उनको बांध दी जाएगी यानी वो आग उनके ऊपर से ढांप दी जाएगी अल्लाह तब तो इनसे बचाए शम्स वल अब यहाँ से जो सूरतें शुरू हो रही हैं उसके अंदर अल्लाह ताला नेकी और बदी को बयान कर रहे हैं देखो ये दो मतजाद चीजें हैं नेकी का बदला हर हाल में अच्छा निकलेगा और बरी बदी, बदी का बदला हर हार में बुजार निकलेगा यानी तुमने ये क्या समझ रखा है कि तुम नेकी करोगे तो क्या उसका अजर तुमने ये क्या समझ रखा है कि तुम बुराई करोगे लोगों को ईजा पहुंचाओगे तकलीफ पहुंचाओगे सहाबा को ये ईजा पहुंचाते थे इसका तुमको कोई बदला नहीं मिलेगा इसकी तुम जो, इसकी जो है वो तुम जजा नहीं पाओगे जो शख्स जो नेकी करेगा वो उसका बदला पाएगा जो शख्स जो भी बुराई करेगा वो उसका बदला पाएगा आ, आगे तक तमाम सूरतों का यही मौजूद होगा वो मियाम शहर वो यरा शायद खैर पहले लफ्ज फिर शर्रा यरा ये सब चीजें हम पढ़ेंगे खैर और शरहर को वो देख लेगा नेकी और को पहचान लो कि ये दो अलग अलग चीजें हैं तो यहाँ भी अल्लाह ने कस्मे खाए कस्मे समाज गवाह बनाया सूरज को जबकि वो रोशन हो जाए चाँद को जबकि वो पीछे निकले फिर दिन और फिर रात और फिर आसमान और फिर, फिर वह नफ्सिहा जिसको उसने दुरुस्त किया उस नफ्स के अंदर अल्लाह तजूर और उसका तकवा रख दिया हर नफ्स के अंदर अल्लाह तल्हम कर दिया कि ये चीज़ गलत है ये चीज अच्छी है उसको मालूम है कि क्या गलत है। हर को, ये पता है। तो कद को ही जन्नत में जगह अता करेंगे नापाक नापाक ना रूए जिनका भी तजकिया नहीं हुआ वो जन्नत के हरगज हकदार नहीं अगर बगैर तजकिया के चले गए दुनिया से तो फिर अल्लाह ताला उस, उसका तजकिया करेगा उसको पहले उसको सजा देगा आग में जलाएगा और फिर वो इस काबिल अगर हो गया अगर हो गया तो फिर है कि उसको जन्नत मिलेगी तो अल्लाह ताला फरमा रहे कामयाब तो वो होगा जो कि इस नफ्स का तजकिया कर ले वक़्त खाब नाकाम हो गया जिसने इसको खाक में मिला दिया इस नफ्स को कब समूद बीतता हुआ है इसी तरह जरा समूद के बारे में देखो कि उन्होंने बड़ी सरकशी की

अल्लाह ने फिर उस पर, पर आफत डाल दी उनको हलाक कर दिया उनके बिजम उनके रब ने गुनाहों के और, और तो नहीं है कि इसके पीछे क्या अंजाम होगा यानी वो जब आजाब नाजिल करता है तो उसको कोई ऐसा खौफ या डर नहीं होता कि बाद में इसका क्या नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा तो उसने तो यूं आजाब नाजिल कर दिया बसमिल्लर वजह व नहारून की सूरत उसके अंदर इसके अंदर जो कस्में हैं वो थोड़ी सी अब कम कर दी गई यानी वो कस्में फिर कम कम की जा रही है इसके अंदर लेकिन वही मतदात चीजें जरा रात जब वो छा जाए वो दिन जब वो रोशन हो जाए मुजक्कर और तुम्हारी सही जो है ये मुख्तलि है तुम्हारी तुम्हारी मेहनत कोशिशें ये मुख्तलि है कुछ लोग नेगी के रास्ते पे जा रहे हैं कुछ लोग बदी के रास्ते पे जा रहे हैं तो ये हरगिज बराबर नहीं हो सकते यानी मुराद ये है कि ये हरगिज एक नहीं हो सकते हर एक को उसकी अपनी सही अपनी कोशिश के मुताबिक ही बदला मिलेगा लिहाजा कि मिसाल ब्या हुई कि फार्मा मन आता वक्त तक का तो लिहाजा जहां तक मामला है उसका जिसने अता किया जिसने दिया अपने माल को और तकवा की रविश अख्तियार किया मुतकी बनकर बच बजकर जिंदगी गुजारी और वसत हुसन अच्छी बात आई इसकी तस्दीक की उसको मान लिया कबूल किया आकड़ा नहीं कि नहीं मैं नहीं मानता बल्कि अच्छी बात की तस्दीक की तो फसन बयान फरमा रहे हैं उसके लिए हम आसानी के रास्ते को आसान बना देंगे फिर हिदायत के रास्ते पर वो चलेगा और यूं कुशा कुशा वो आसान रास्ते पर चलते हुए जन्नत में चला जाएगा लेकिन उसके बरकस वह अम्मिला बखुल के, के रेपियार शाना का मुजाह किया वी बात को यानी उसी का अपोजिट वहां पर वो आता था कि वो अता करने वाला था यहाँ पर बखीर है कंजूस है देता नहीं वहां पर मुतकी था यानी डरने वाला था यहाँ पर बेपरवाह इंसान वो उसी कहते हैं कि जो के डर डर कर और एहतियात से कदम उठाए और यहाँ पर वस्त होना वो बेपरवाह है वहाँ पर था का कबिल उसना वो तस्दीक करता था अच्छी बात की यहाँ व कस्जा बिल उसना उसने झुटलाया अच्छी बात को तो फसल सिर वा तो उसको मुश्किल रास्ते की तरफ हम आसानी कर देंगे यानी जहनम के रास्ते के चला जाएगा और गुनाहों के रास्ते को जब वो अख्तियार करेगा उसी के अंदर उसको मजा आएगा उसके लिए यही रास्ते ही यही रास्ता अल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि जो जिसने अपने अख्तियार किया तो यही रास्ता फिर उसको मिलेगा और जब वो जहन्नम में डाला जाएगा तो उस वक्त ना तो वो काम आएगा उसका कोई माल जबकि वो इसके अंदर गिरेगा इस जहन्नम में अलैना लल हुदा हमारे जिम्मे तो बस हिदायत है पहुंचा देना बात को वाजे कर देनात वा और ये आखरत और दुनिया के अंदर है तो बस मैंने तो तुमको इंतजार कर दिया खबरदार कर दिया उस भड़कती हुई आग से ला ला अश्का। नहीं होगा उसके अंदर मगर वही युति मालका वो जिसने तो माल जिस की अपना माल दिया और पाक वो अपना माल दिया ताकि अपने आप को पाक करता है अपनी पाकि अख्तियार करता है जकवात इसीलिए कहते भी हैं जकत का मतलब ये हुआ कि अपने माल को पाक कर लो तो अपने माल देता है कि वो अपनी तजकिया हासिल करना चाहता है अपने आप को पाक करना चाहता है में जिसकी कोई भी देन कोई भी देनायत इसलिए नहीं होती कि इसका उससे कोई तुजा बदला मिले वो बदला लेने के लिए अपना माल गरीबों को नहीं देता कि इससे हमें यह फायदा होगा या कम से कम हमें शुक्रिया ही कह देगा नहीं उसको कुछ नहीं चाहिए होता दुनिया से बल्कि ये, और वो अपना पाक, अपनी पाकिजगी रजा।, रजा ही चाहता है वो भी राजी हो जाएगा और अल्लाह भी उससे राजी हो जाएंगे बिस्मिल तो तो दौर की यह भी सूरत है इसके अंदर भी वही दो मतदा बातों को अल्लाह तरीके से बयान किया कि नबी करीब

वाही गवाह है वह दो मतजाद चीजें को बयान किया ये दोनों मुतजाद हैं कभी ऐसा मामला होता है छाई का मामला होता है बुराई का यानी आदमी के अंदर ये दो कैफियात और दो हालात आते रहते हैं कभी कब्ज का मामला होता है यानी अंदर से कब्ज से मुराद वो कब्ज नहीं बल्कि अंदर से उसको इंशरा नहीं होता और कभी बहुत ही इंशरा का मामला होता है बड़ा खुश होता है और बड़ी हर चीज उसके अंदर बड़ी आदमी पैदा होती है और कभी मायूसी उस पर तारी रहती है तो ये अल्लाह तला बहन जैसे धूप जैसे धूप होती है और जैसे रात होती है ये दो मतदात चीजें ये तुम नहीं देखते तो माँ बदा का का मा कला आपके रब में ना तो आपको छोड़ा और ना आपसे कोई वो बेजार हुआ कोई आपसे नाराज नहीं हो गया आपके रब ने कि आपको ये वही नहीं दी ठीक है वही का एक सिलसिला था आया आप बड़े खुश थे कुछ अर्से तक फतरत वही भी होती है वलल आखिरत खैर का मीना बोला तो आप परेशान ना हो हर आखिरी वक्त आप बाद में आने वाला दिन ये बेहतर होगा आपके लिए पहले से पहले दिन से आखिरत तो जा रहा है आप तरक्की की मंजिल पर पहुंचेंगे आपकी लोग बात को भी सुनेंगे आपकी दावत को भी कबूल करेंगे और बिल आपका गलबा हो जाएगा यहाँ पर उस वक्त वक्त जबकि ये बात ख्याल गुमान भी नहीं हो सकती थी कि आपका मक्के में गलबा हो जाएगा लोग तो इतहाई तंग कर रहे हैं परेशान लोग तो मारने पर तले हुए हैं मजाक उड़ाने पर तुरे हुए हैं लगा तय आहिस्ता आहिस्ता हम आपके लिए आसानी पैदा करेंगे और आप ही का गलबा होगा सोफा का रब का फतर दा और आप का रब वो अता करेगा इतना देगा आपको कि आप राजी हो जाएंगे यानी दुनिया में भी आपको वो मिलेगा आखिरत में तो मिलेगा ही मिलेगा और दुनिया में भी आपको यहाँ पे सरजमीन में गलबा होगा आप ही का नाम लेने वाले होंगे अगली सूरत में बयान फरमाया जाएगा कि फाना वरफाना लगा हम आप ही के जिक्र को बुलंद करेंगे यानी अभी तो लोग आपको अल्लाह आपको जादूगर कह रहे हैं अल्लाह आपको कह रहे हैं लेकिन एक वक्त आएगा कि लोग आपका नाम बड़ी के साथ हम उनके लिए दुरूद बढ़ते हैं। तो आपके नाम और आपका जिक्र पूरी दुनिया भर में ऐसा बुलंद होगा कि आपको ख्याल गुमान में नहीं होगा तो भला सोफा यू थी का रब और जरा देखिए तो सही हैजीद का यतीम और फावा हमने नहीं पाया आपको यतीम यानी आपके साथ हमने कैसा मामला किया कि आप यतीम पैदा हुए थे वालिद साहब आपके आपकी, पै, आपकी पैदाइश से पहले इंतकाल हो गए थे लेकिन क्या अच्छा ठिकाना हमने आपको दिया कि आपकी परवरिश में रखा पहले अब, अब, के, ओ, जो, जो आपके दादा थे उन्होंने कितनी अच्छी परवरिश की फिर आपके चचा अबू तालिब ने जो कि अगरचे ईमान नहीं लाया लेकिन यह है कि परवरिश और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी ये तीन बच्चे जो पैदा होते हैं वो तो एक तरह से उनके अंदर कोई खल सा रहता है वो दुनिया में कोई काम नहीं कर पा तरबियत में एक तरह से कमी रह, रह पाती हो जाती है लेकिन अल्लाह तब ने इस बात को बयान किया कि आपको अगर हमने यतीम पैदा किया लेकिन जरा देखिए क्या बेहतरीन हमने आपको ठकाना दिया क्या आपकी तरबियत हुई किस तरीके से अबू तालिब ने अपनी जान की बाजी लगाई लेकिन यह आप पर कोई आश आने नहीं दिया और आपको हमने पाया हिदायत में सरगिरदा दाल कहते हैं वैसे तो गुमराही में क्या आपको हमने पाया गुमराही में फिर हमने आपको हिदायत दी लेकिन गुमराही ठीक नहीं कभी भी गुमराह नहीं हुए बल्कि हिदायत की तलाश में आप यानी वही बात जो मैं सुरे के जेल में पहली में कर चुका हूँ असल के के में क्या मौजू है कि बेसत मोहम्मदी से पहले लोग चाहते थे कि हम हिदायत पाए बेसत मोहम्मदी से पहले जलालत और शिरक और गुमराही के ऐसा घटाटोप अंधेरे थे कि कुछ हर तरफ शर्क लोगों का भी जुल्म और जालिम दंदनाते फिर रहे थे इसके अंदर एक शरीफुल्नफ़्स इंसान एक सलीमालफरत इंसान वो परेशान हो जाता था अरब हमारे हम हिदायत कहते हैं कि हम तो हम क्या करें कहाँ जाए जब वो जाते थे यहूद और नशारा के पास इसलिए कि वो अहल किताब थे वो उनको जो दीन का नक्शा पेश करते थे वो किस कोई सलीम उल्फरत इंसान उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि ये दीन नहीं हो सकता मैं नहीं मानता कि यह अल्लाह का दीन है जिस तरह से वो दीन पेश करते थे के बारे में मैंने अर्ज़ किया कि हर सलमान फारसी खाने खान के कपड़े पकड़ पकड़ कर थे हमारे मैं तेरी बंदगी करना चाहता हूँ लेकिन कैसे करूं मुझे नहीं मालूम उस वक्त अल्लाह ने तबा फातिया नाजिल की और वो इस बात को बयान किया कि, कि, ए, कि यह, 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 जो इंसान के दिल की तमन्ना थी उसका तस्कर अल्लाह तब ने कह दिया कि सलीमरत इंसान इसी तरह सीधे रास्ते की तमन्ना करता है सीधे रास्ते की दुआ मानता है वो दुआ सिखा दी जो एक नेक और इंसान की दिल की तमन्ना थी कि रहीम तो उसी तरह फितरत शख्स नबी करीम वाले वाले सलम भी थे वो भी बड़े परेशान थे कि ये क्या हो रहा है ये क्या जुल्म है ये क्या ज्यादती है असल रास्ता क्या है हिदायत क्या है किसके पास जाऊं मैं हिदायत को हासिल करने के लिए एक हसास इंसान जब इस दुनिया को देखता है तो वो परेशान हो जाता है इसी तरीके से इस दुनिया में क्या और जुलम है जो वो रहा है और जो बदमाश है वो दंदनाता फिर रहा है उसको कोई पकड़ने वाला नहीं कोई रोक टोक नहीं तो जिसकी बिना पर फिर नबी वसल्लम ने भी गोशा नशीन अख्तियार की और चले गए गारहरा में वहां जाकर आप तन्हाई में बैठते थे, थे और गौर फिक्र करते थे कि अल्लाह तेर आपको हिदायत अता फरमी तो इस बात को बयान कर रहे हैं अल्लाह तब तबाज का कि उसने आपको पाया तलाश हक में सरगर्दा तो उसने हिदायत दी। फागना और उसने आपको पाया मोहताज मोहताज बाद लोगों ने माली अदबार से लिया है लेकिन यह मुनासिब नहीं बल्कि हिदायत के अदबार से मोहताज आपको पाया फागना तो हिदायत के अदबार से अल्लाह तब अल्ला आपको गनी कर दिया आपको बात समझा दी कि देखो असल बात यह है तस्किन मिल गई सुकून मिल गया इस की बुनियाद पर जब इंसान को ये मालूम हो जाता है कि ये दुनिया असल में नामुकम्मल है एक दूसरी दुनिया भी आने वाली है जो उसकी तकमील करेगी आखरत में ये दुनिया में हम इम्तिहान के लिए तो फिर एक फितरत इंसान को फिर अब वो तस्किन मिल जाती है वरना तो फिर वो परेशान हो जाए एक हसास आदमी तो इस दुनिया के अंदर नाइंसाफी जुल्म को देख कर वो पागल हो जाए और यही पागल हुआ था गौतम बुद्ध जो कि कपल वस्तु का शहजादा था बादशाह के घर में पला वरा लेकिन देखता था कहता था ये दुख दुखम उसके मजहब में भी है कि ये दुख क्यों है क्यों है कि कुछ लोग जो है वो सोने का नवाला लेकर पैदा होते हैं और ऐश करते हुए दुनिया दुनिया में चले चले जाते जाते हैं हैं क्यों है कि कुछ लोग सकर सुर्ण सकर सुर्ण सकते इस से चले जाते हैं। ये क्या अंधेर नगरी चौपट राज है अगर इस दुनिया का को कोई मालिक है खुदा है तो वो इंसाफ नहीं कर रहा है इस दुनिया के अंदर बिल्कुल अंधेर नगरी और चौपट राज तो अगर आखिर का तस्वुर ना हो तो आदमी ऐसे ही पागल हो जाएगा वो गौतम बुद्ध फिर अब अब

हमने आपको पाया कि आप इस हिदायत से मुफलिस थे तो हमने आपको गनीत कर दिया तो लिहाजा उस यतीम फलात तक कर तो आप भी यतीमों के साथ कहर मत कीजिए उनकी भी नगेदाश्त कीजिए उनको भी मत झड़ रखिए वो अम्म साफला है और जो भी सवाल करने वाला है उनको भी मत झड़ रखी यहाँ पर भी सवाल से आप कि चूंकि आपको हदायत दे दी गई तो अब इस हिदायत के बारे में आप इस बात को फैलाइए जो भी पूछे उसको सवाल का जवाब दीजिए वह अम्मा बेमत रबिस और आपको ये जो हिदायत की नियमत दी है आपके रब ने इसको खूब बयान कीजिए अब ये हिदायत की नहमत लोगों में आम कीजिए खूब बयान कीजिए अलम सदरक क्या हमने आपको आपके सीने को खोल नहीं दिया क्या आपको हमने इन शराय सदर अता नहीं किया ये दोनों मिली जुली है और जोड़ा भी है और इसके अंदर उसी मजमून की कंटिन्यूएशन अल्लाह ताला इस बात को बयान कर रहे हैं कि है? हमने आपके सीनों को खोल नहीं दिया आपको इन सदर अब नहीं हो गया इस बात पर क्या असल हक क्या है वो हकीकत आपको मालूम हो गई है जो कायनात की हकीकत है जिससे आप परेशान हो रहे थे क्या हो रहे थे कि वह अजाना अनका विज हमने आप दूर कर दिया उस चीज से जो कि वो बोझ आपके जो आपके पीठ पर बोझ था उससे हमने आपको दूर कर दिया वो क्या था कि अनकला रख जिसने आपके कमर को आपकी पीठ को आपके कमर को दोहरा की है यानी यही बोझ यही फिक्र कि ये क्या है दुनिया हिदायत यानी असल बात क्या है जैसे मैंने आपको बताया हसास इंसान अगर आखरत को ना माने और इसे दुनिया के अंदर वो देखे सब कुछ तो वो पागल हो जाए उसका उसका दिमाग खराब हो जाए अगर उसको आखरत का इल्म ना दिया जाए लेकिन अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि हमने तुमको तुमको वो सदर भी दे दिया तुम्हारे दिल को वो सुकून भी दे दिया वो बोझ जो कि तुम्हारे पीठ को दोहरा किए दे रहा था तुम्हारा था, उससे दूर कर दिया वराफाना फान का जिक्र और आपका जिक्र हमने बुलंद कर दिया यानी ये भी एक तरह से पोशे पेशन गोई कि इसके बाद हिदायत के लिए लोग रुजू अगर करेंगे तो सिर्फ नबी करीमल वसलमी की तरफ रुजू करेंगे हिदायत अब कहाँ मिलेगी नहती दुनिया तक अब हिदायत सिर्फ और सिर्फ नबी करीम करीमल आखिरी नबी है तो उन्हीं तक ही मिलेगी उन्हीं से हिदायत लोग हासिल करेंगे तो आपका जिक्र भी हमने बहुत बुलंद कर दिया आपका नाम नामी भी हमने बहुत बुलंद कर दिया फाइन तो बस मुश्किल के साथ आसानी है यानी अभी मुश्किल का वक्त आ रहा है अभी भाई बड़ी तंगी का वक्त आ रहा है अभी लोग मान नहीं रहे अभी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होगा ये सारी बातें सब ख्याली लग रही है नामुमकिन है कि आपका जिक्र यूँ बुलंद हो जाए लोग तो फिलहाल गालियाँ दे रहे हैं माजल्लाज्ला लेकिन तला बयान फरमा रहे हैं मुश्किल के साथ आसानी है देखो मुश्किल के साथ आसानी से कोई पीठ थपक थपकता है कोई उस्ताद किसी अपने शागिद को कि देखो अभी तुम्हें मुश्किल लग रही है मुश्किल के साथ आसानी है बस तुम मेहनत करते जाओ बस तुम कोशिश करते जाओ देखो मुश्किल के साथ बिल्कुल तुमको मिल जाएगी आसानी तो इन्ना मालना तो यूँ पीठ थपक रहे जैसे लग रहा है, नबी करीम का फिर जब आप फारक हो जाए तो फिर आप इबादत कर लें यानी इस काम को फार हो जाए तो फरगब और अपने रबी की तरफ अब आप फिर लो लगाए अपनी रबी की तरफ रगबत करें लेकिन फिलहाल तो ये काम है कि इसको आपको फैलाना है ये मेहनत है जरा इसको कोशिश करनी है और जरा देखिए कि इस मेहनत में ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है बहुत जल्द आपको वो गलबा नसीब होगा सकते

ये सब इस बात पर गवाह है कि इंसान को हमने बेहतरीन तकवीम में पैदा किया बेहतरीन साख में पैदा किया जब ये अंबिया आए और अंबिया ने जब अपनी दावत दी तो इंसान बिल्कुल सही रास्ते पर रहा ठीक रास्ते पर रहा इसके बाद होता रहा कि उसने इस दावत से इन्हराफ कर लिया जब इस दावत से इन्हराफ कर लिया तो फिर हमारा कानून क्या है कि हम उसको असफला साफिलीन कर देते हैं उसको निचला ने नबियों को, को बयान किया से ही कर चुके कि ने बनी को, हदायत को समझोगे इस दीन को रहोगे दुनिया में तुम सरफराजी तुम्हारे मुकदर होगी दुनिया में तुम्हारी कामयाबी होगी लेकिन जो ही तुम छोड़ दोगे तो फिर दुनिया में तुम जलीलार हो जैसे ही इंसान ने इसको छोड़ दिया अपने असल काम को अपने असल मकसद को पैदा किया गया था अपनी असल को वो भूल गया अपनी खुद ही को वो भूल गया वरना जब नबी आते हैं तो इंसान आह बेहतरीन साख में होता है नबी की दावत के साथ इंसान का क्या किरदार और इंसान एक नमूना होता है सहाबा और अम्बिया और उसके सहाबा तमाम लोगों के लिए एक नमूना लेकिन बाद में उसी नस्ल के लोग जब अपने काम को छोड़ देते हैं तो सुमा रदावला तो वो निचलों में से सबसे निचले में अल्लाह तला बयान फरमा रहे हैं कि हमने उनको फिर लौटा देते हैं फिर वो सबसे घटिया लोग हो जाते हैं अगर वो अपने काम को सही से ना करें इल्ला हाँ। लोगों के ईमान के ममनून तो बस तो इसके बाद तुम जजा को किस लिए झुट हो कैसे तुम अल्लाह के को तुमने दुनिया में भी ये देख लिया कि वो लोग जो कि नबियों के काम को मजबूती से थामे रखते हैं अल्लाह उनको गलबा करता है जो कि अब जब नबियों को काम अल्लाह उनको कर देता है। दुनिया में अल्लाह ने अपने इस का करके तुमको बता दिया अब अदल को कायम करे कायम करे जो हाकिम अदल नहीं कर रहा तो हम क्या कहते हैं कोई हक नहीं अगर आप इंसाफ नहीं फर, फरा कर सकते हम भी कहते हैं ना कि अगर आप इंसाफ नहीं फरा छोड़ दें मुस्तफी हो जाए अगर आप फला के कातिल को सजा नहीं दे सकते तो हुकूमत वक्त आप मुस्तफी हो जाए अब इस काबिल नहीं है तो जब आप हुकूमत को भी यही कहते हैं कि अगर वो अदल ना फराम करें इंसाफ ना फराम करें तो उसका हुकूमत करने का कोई हक नहीं तो अल्लाह ताला तमाम हाकिमों का हाकम है वो कैसे इंसाफ नहीं करेगा कि एक वक्त आएगा कि वहाँ नकारों को उसकी निकी का भरपूर सजा मिलेगी बदकारों को उसकी सॉरी नकारों को उसकी नकी की भरपूर जजा मिलेगी बदकारों को उसकी बदी की भरपूर सजा मिलेगी Raheim, halaka, इस में भी इसमें तौमान भी, इस भी सरदारानैश में अबू जहल मुखातिब जो कि नबी करीम अलैहि वसल्लम पर ताने भी देता था आपको नमाज पढ़ने भी नहीं देता था इंतहा फिजिकल टॉर्चर भी आपको पहुंचाने की कोशिश करता था और जहनी टॉर्चर तो इंतहा उसने पहुंचाया इसके अंदर असल जो इस सूरत में हरकत हुआ है रबी खलक पढ़ कर सुना दीजिए अपने रब के नाम से जिसने कि तख्लीक किया इकरा के मतलब पढ़ना भी होता है और इकरा का मतलब ये भी होता है कि पढ़ कर सुना दीजिए आगे के मगलेने का भी ये तमाम करते थे तो अल्लाह तला बयान फरमा रहे हैं कि उसने इस कलम के जरिए से तुम्हें इस कुरान हकीम का इलम सिखाया मालमसान तो वो सिखाया जो वो नहीं जानता था इस कुरान का इलम अल्लाह तला ने इंसान को दिया तो उसके पास वो इलम आया जो कि वो नहीं जानता था

ना अपने आप को बड़ा बेपरवाह पाता है देखता है कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं है इन रबी की तरफ उसको लौटना है जब उस अपने रब की तरफ लौटेगा तो उसको फिर मालूम हो जाएगा कि उसका कोई हाथ पकड़ने वाला क्या आपने देखा नहीं उस शख्स को कि जो रोकता है यानी नबी करीम को रोकता था वही अबू जहल के अब अपने एक बंदों को जब वो नमाज़ देखा नहीं कि अगर वो हिदायत पर है वो तक्वा, और तकवा का दे रहा है यानी मोहम्मद अगर हिदायत पर है और तकवा के हुक्म दे रहा है फिर भी रोकेगा फिर भी अगर वो रोक रहा है तो क्या वो अपनी शामत को क्या उसको कोई पकड़ने वाला नहीं उसकी अपनी, अपनी, शामत करीब नहीं आ गई कैसी सूरत हाल में वो रोक रहा है टाइम का जवाब ज़रा गौर तो करें कि अगर वो उसने झुटलाया और मुंह फेर लिया तो क्या उसका जहना मुस्तहक नहीं होगा यानी ये बात ऐसी बदी ही है कि उसका जवाब शर्त को बयान नहीं कियाहदा ज़रा देखिए तो सही कि अगर वो होदायत पर यानी मोहम्मद और अमर अभी तक हुआ या वो तकबा के हुक्म दे रहे हैं जरा सोचो गौर करो फिर भी तुम रोक रहे हो यानी अपने शामत को दावत नहीं दे रहे अरायता इनका जवाब जरा गौर तो करो तुमने जो मुंह मोड़ लिया और पीठ फेर लिया झुटला दिया तुम्हारा हरगिस नहीं अगर वो बाज ना आया तो हम उसको उसके पेशानियों के बालों से घसीटेंगे काजिबतिन खातिया पेशानी के वो बाल जो के काजिब है झूठे हैं गुनगार हैं फल यदो ना दिया फिर ये बुला लें अपने मजलिस वालों को अबू जल जैसे कहता था कि जरा मेरी मजलिस देखो इसमें कितने लोग होते हैं और कितने बड़े बड़े माशरे यहाँ के शरफा होते हैं यहाँ के इज्जतदार लोग होते हैं और जरा मोहम्मद की मजलिस को देखो भी ये पता नहीं ये ये गुलाम तबका और नौजवानों का तबका और माशरे का कम तर तबका इनमें होता है और कितने कितने कलील लोग होते हैं तो जरा 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 मेरी मजलिस और इनकी मजलिस का मुकाबला करो ये अबू जहल का मामला था तो अल्लाह तला बयान फरमा रहे फलीद और ना दिया बुलाए जरा अपने मजलिस वालों को सनत उस जबानिया हम भी बुला लेंगे को, अपनी फौजों को फिर तुम देखोगे जब हम अपनी को बुलाएंगे कल ला नहीं ला तो आप इसकी बात पर ना आए इसके कहने को मत माने इसको बिल्कुल लिफ्ट ना कराएं वक्त करीब आप तो सजदा करें और और, और करीब हो जाएं आप तो खान काबा में आए सजदा करें और करीब से करीब तन होते चले जाए अल्लाह तक नबी केसलम को आए तो सजदा भी है तो में सजदा कर लेना चाहिए नमो प्रोग्राम के बाद जरूर सब कर ले

लतुल कदर में नाजिल किया वो जो कि फैसलों वाली रात है जिसमें अल्लाह तबा तला जिसके अंदर तकदीर के फैसले होते हैं इसीलिए ये कदर है तकदीर तो लय लतुल कदर वमा अदरा कमा लय कदर अब तुम्हें क्या इधरा कि ये फैसलों वाली रात ये कदर की रात क्या है लय लतुल कदर खैर उमिन अलफ है ये लय लतुल हजार महीनों से बेहतर है तनजलमलाइकत तो वर्रूह फ़ीहा बेज़न रब्बी बिनकुल अमर उतरते हैं इसमें फरिश्ते और अर्रू यानी हज़रत सलाम इस रात में उतरते हैं ने रब अपने रब के से मिन अम्र लेकर यानि की हुई रात है कि जो भी फैसले होते हैं उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के लिए तनफीज़ के लिए अल्लाह तब्राइल आलाम के सरकरदगी में हजारों फरिश्तों को लाखों फरिश्तों को इस दुनिया में नाजिल करते हैं और यह रात हजार महीने से बेहतर है सलाम और यह सलामती वाली रात है यह हता मतल उस वक्त तक सलामती है कि जब तक के सूरज तुलू ना हो यानी पूरी की पूरी रात यह ये सलामती वाली रात है नबी करीम सलाम ने फिर इसको बयान किया कि ये रमजान के आखिरी अशरे है यानी अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये कुरान तो हमने लैलतुल कदर में नाजिल किया नबी करीम सलाम पर वो लहलतुल कदर में कुरान नाजिल हुआ कुछ अरसे के बाद यह आयत नाजिल हुई शायद जा... पाँच साल के बाद छह साल में ये राय नाजिल आप सलाम ने अब गौर किया कि वो कौन सा दिन था ये कौन सी रात थी जैसे आप कोई वाक हो जाए फिर आपको कोई बताए कि ये तो ये फला से रिलेटेड आप गौर करते हैं अच्छा ये वाक जो हुआ था ये किस दिन हुआ था जरा सोचो तो सही गौर तो करूं कि ये कब हुआ था तो हजार आपने फिर ये गौर किया ये तो पता चल गया कि ये रमजान की कोई थी इसलिए उदय ये तो कुरान ने भी गवाही दे दी कि शाहरु रमान लजीला फीर कुरान इसके बाद फिर आपने जब बहुत अपने जहन पर और जोर दिया तो आपने अंदाजा लगाया कि ये आखिरी थी ये आखिरी अशरा था वो आखिरी पहर था चांद के जैसे मैंने बताया कि दस दस दिन से वो अपनी अपना अपना शक्ल बदलता है तो आप गार है कि ये आखिरी चांद का मामला था इस पर भी आपको तकरीबन यकीन हुआ फिर मजीद इस में साहबा पूछते थे कि मुझे सही डेट बता दीजिए एग्जैक्ट जरा जहन पर जोर दीजिए सोचिए गौर कीजिए ताकि वो सही तारीख भी हमें मालूम हो जाए तो आपने बयान किया कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ताक रात ही थी अपने दौड़ देकर आप इस हद तक पहुंचे बज लोगों को फिर आपने बहुत इसरार पर कुछ को सत्ताइस भी बता दिया किसी को इक्कीस भी बता दिया लेकिन ये इतनी हतमी तौर पर आपने इसको नहीं बताया इसलिए लोग भी इसको समझते हैं लेकिन ज्यादा जो आपने बयान किया कि ये ताक रात मुझे मालूम होती है जिसमें यह हुआ था यानी आपने जब जबर किया कि जो पहली बार ब्राहल आए थे कब आए थे जरा गौर तो करूँ तो मालूम होता है कि वो ताक रात थी लेकिन उससे भी ज्यादा सेफ साइड असल में देखा जाए तो सेफ साइड क्या है कि ये पूरी की पूरी आखिरी अशरे में कोई रात हो सकती है इसको आपने यकीन से बयान किया कि वो जो आखिरी चांद निकला था आखिरी अशरे का जो चांद नमदार हुआ था ये मुझे लगता है कि बस ये थी तो इसलिए आप आखिरी अशरे में हमेशा इतिकाफ कदर को ढूंढने के लिए सबसे सब ज्यादा सेफ सेफ साइड क्या है कि पूरी आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह ताला अल्लाह के हुजूर लौ लगाए और इबादत करे आखिरी अशरे में कोई भी रात हो सकती है इतना नहीं कर सकते चलो कम से कम जो है वो रात को ही करें इतना भी नहीं कर सकते तो चलें सत्ताईस को ही आप अगर समझते हो तो सत्ताईस को ही करें लेकिन यह कि कि मैंने बताया कि आखिरी अशराही है वो रात अल्लाह तबारक व बिस्मिल इसमें बयान किया गया कि ये मशरकिनल किताब में से जो और जो और जो ये काफिल जो अहले किताब में से और जो मशरकिन में से हैं ये इस कुरान को मान के नहीं दे रहे बात को मान के नहीं दे रहे बल्कि वो आपसे मोजे का मुताल कर, कर, कर रहे हैं कि, कि आप उतने आसमान से सहीफा लेकर और उसके अंदर सही बात लिखी हुई हो तो फिर हम इस बात को मानेंगे यानी ये मौजे का मताल कर रहे हैं अल्लाह तला फरमा रहे हैं कि उन्होंने तफरका नहीं डाला किताब दी गई थी मगर ये कि उनके पास वाज निशानियां भी आ गई खुली निशानियां भी आ जाती हैं मुआवजा भी आ जाता है फिर भी वो तफरके में पढ़ जाते हैं

ये बहुत बुरे मखलूक हैं ये जो बुझ कर इनकार कर देते हैं लिहाजा बड़ी बुरी मखलूक है ईमान ले आते हैं फिर ईमान के अमले करते हैं उलायम खैरिया ये बड़ी अच्छी मखलूक है बड़ी बेहतरीन मखलूक है

और उसका जल्जला आएगा यानी वो क्या का वक्त वो अखरिया और वो अपना बोझ निकाल बाहर करेगी वह माल इंसान कहेगा इसको क्या हो गया है आज ये अपनी सारी बातें सारा बोझ निकाल कर बाहर कर रही है योम तो दिसबारहा उस दिन वो अपनी सारी की सारी खबरें बयान करेगी क्या हुआ था इस, इस मेरी पीठ पर क्या लोग करते रहे अपनी पूरी खबरें बयान करेगी बिर रब्ब का अहा उसके रवि ने उसको ये वही किया होगा इसीलिए वो बयान करेगी यो माजुन यजदुर उस दिन लोग निकलेंगे गुरो दर गुरो लेमाल हम ताकि वो अपने अमाल को देखें अपना नामयमाल देखें फमईयाम खैर तो जिसने भी जर्रे के बराबर भी कोई अमल किया होगा वो उसको देख लेगा मालूम हो जाएगा छुपा नहीं रहेगा फमई यामल मिसकाल और जर्र शर नहीं जिसने भी जर्रे के बराबर भी कोई शर किया होगा वो उसको देख लेगा वो उससे छुपा नहीं रहेगा बस्मिल्लास्मान वल आदि दबाह फल मोरियात कदहा फल यात सुबह इसमें तला ने गवाह बनाया कि वो घोड़े जो कि दौड़ते हैं हाफते हैं चिंगारियां निकालते हैं अपने कदमों से अपने टापों से और धावा बोलते हैं सुबह ही सुबह और उड़ाते हैं गर्द, गर्द गुबार उड़ाते हुए चलते हैं फोसतना भाई जम आ और जमियत में जाके घुस जाते हैं यानी वो घोड़े तुम्हारे लिए क्या कुछ करते हैं जरा देख सोचो तो सही तुम उसको खिलाते हो पिलाते हो और तुम जब उसके साथ जाते हो जंग में किसी जहाज में किसी और मुहिम पर

किस किस तरीके से मामला नहीं किया लेकिन तुम अपने मालिक का अपने रब का शुक्रगुजार नहीं हो जरा घोड़े से सबक हासिल करो कि इंसान बेशक इंसान अपने रब का बहुत नाशुक्रा है वह इनका शहीद वो इस पर गवाह भी है कि वाकई वो नाशुक्री करता है उसको मालूम है कि सारी की सारी इनाम एन, अल्लाह ही के दिए देने से मुझे मिली है अल्लाह ने दिया है लेकिन फिर भी वो अल्लाह का शुक्र बजा नहीं लाता वह इन खैर शीद वो खैर माल की मोहब्बत में तो टूटा पड़ा हुआ है बस उसको माल ही चाहिए वो सेरा माफिल तो क्या वो देखता नहीं जानता नहीं कि जब वो कबरों से उठाए जाएंगे वह सिलाफी सुदूर सामने आ जाएगा जो भी उनके दिलों में है सीनों के भेद को अल्लाह खोल इन बहुम बेहीम यो मिन बेश आपका रबी उस दिन बहुत बाखबर होगा सबको वो अच्छी तरह हर चीज के बारे में वो बाबर होगा जान लेगा उस दिन उस दिन तुम्हारा कच्चा छट्टा जो है वो निकाल कर रख देगा अल्लाह तक बसमिल का मलारिया ये खड़खड़ाने वाली ये खटखटाने वाली ये जोरदार हंगामा ये अजीम हंगामा बाद लोगों ने इसका खतरजमा की अजीम हंगामा क्या है वो अजीम हंगामा वामा अदरा का मलकारिया वो खड़खड़ाने वाली वो अजीम हंगामा क्या होगा यानी वही क्या का नक्शा योमा यकून ना कर फराशि मफसूस जिस दिन लोग होंगे बिखरे हुए परिंदों परवानों के मानन जैसे परवाने निकल जाते हैं ना बारिशों में बिखरे हुए होते, है। होते, होते हैं वैसे इंसान नजर आएंगे बिखरे हुए परवानों के मनफूज और पहाड़ होंगे रुई की मानन जो जैसे धुनकी हुई रुई होती है रुई को धुना जाता है तो वो उड़ रही होती है ऐसे पहाड़ उड़ रहे होंगे तो जिसके आमाल के भारी अच्छे आमाल के वजन भारी होंगे यानी वहां पर मुझे फैसला होगा वो हक का होगा औजान में तोले जाएंगे तो जिसके औजान में तोलने के लिए हक और अच्छे चीज भारी होगी तो फो दिया। वो बड़े ऐश में होगा पसंदीदा जिंदगी में होगा वह मनखत मवाजिन हूँ और जिसके वो औज़ान हल्के होंगे बहुत कम लेकर आया होगा हल्का वजन लेकर आया होगा तो हाविया तो उसका ठिकाना हाविया का माहिया तुम्हें क्या मालूम कि ये क्या है हाविया नारून हामिया धकती हुई आग है अल्लाह तला में इस आग से बचाए बस्मिल को मुतका इंसान का क्या मामला ये है कि वो खूब कसरत की ख्वाहिश करता है यानी वो हम सूरह हदीद में इस बात को पढ़ चुके कि इंसान की जिंदगी क्या मरला है कि पहले वो बच्चा होता है खेल ही कूद होता है फिर उसके अंदर जीनत पैदा होती है कि वो अपने बनाव सखाई के लिए कुछ करता है तो और फिर आखिर में माल और औलाद की कसरत कि बस ये मेरे पास माल हो उसको मैं जमा करके रखू और यहाँ तक कि वो कब्रों तक पहुंच जाता है कि तो को तुमको कसरत की हविस ने या एक दूसरे से बढ़ जाने की हविस ने ज्यादा ज्यादा माल न कमालू उससे मैं ज्यादा हो जाऊँ उससे उससे उसके जो चीज उसके पास है उससे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए तो कसरत की हवि ने या एक दूसरे से बढ़ जाने की हवि ने तुमको गाफिल किए रखा हत् तमुल यहाँ तक देख ली तुमने तो कब्रों में पहुंच की उस, उसकी ज्यारत कर ली यानी इंसान सोचता है कि चलो अभी 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 तो ये माल कमा अभी ये कर अभी ये माल जरा कमा कर घर बना लू अभी ये गाड़ी ले लू अभी ये फला कर लू अभी ये अभी ये कर लू इसके बाद फिर जो है वो मैं फिर दीन के लिए अपने आप को लग जाऊंगा बस यही तुम सोचते रहे कसरत की हवि तुमको रही है कसीर कसीर और माल और माल और माल हर मकाबिर के कबर कबर, कबर का वक्त आ गया टाइम खत्म हो गया स्टॉप राइटिंग एग्जाम्पल ने कह दिया कि बस टाइम खत्म स्टॉप राइटिंग और तुम कबरों में चले गए हरगिज नहीं करीब तुम जान लोगे सुम कल्लाफा फिर हरगिज नहीं कि तुम अंकरीब जान लोगों लो क्या करके आए कल्लाउत और काश के तुम्हें इल्म यकीन होता यानी अभी तुमको ये बात बताई जा रही थी आखरत के बारे में काश तुम इसको जानते और तुमको ये यकीन इल्म होता क्योंकि तुम तुम्हारा ये रवैया नहीं होता लताराउन जहीम अब तो तुम लाजमन जहनम को देख के रहोगे सुम्ल यकी तुमको अब आईनी यकीन हासिल हो जाएगा अपनी आंखों की से अभी तुमको यकीन होता है या निहाय सी बात है अभी हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा जन्नत को को कम से कम इल्म कमुल यकी तो होता तो हम ऐसे रवैया नहीं अख्तियार करते बयान किया जा रहा है लेकिन उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख लोगे तुमको मालूम हो जाएगा आप पता चल गया ना जो बात बयान की जा रही थी वो कितनी सच है सुम्मा पर तुमसे लाजमन सवाल होगा नेमतों के बारे में जो कुछ भी तुमको दिया गया था जो नेमतें यहाँ पर इस दुनिया में तुमको दी गई थी एक एक नेमत के बारे में तुमसे पूछा जाएगा क्या किया तुमने जो उम्र दी थी वो कहाँ गुजारी जो जवानी दी थी वो कहाँ गुजारी जो इलम दिया था उस पर कितना अमल किया माल कहाँ से कमाया कहाँ खर्च किया ये वो सवाल हैं जो कि हर शख्स को पेश आएंगे बसमानरिम वल असर इन पहले तो मैं जब ये प्रोग्राम करता था तो मेरी नजरें जो हैं वो घड़ी की तरफ मुसलसल होती थी आप देख रहे होंगे लेकिन आज जो है वो मैं घड़ी की तरफ नजर नहीं कर पा रहा बहरहाल अब इसको ख़त्म तो करना है वल असर हाँ ना लफी खुसर, जमाना गवाह है कि इंसान खसारे में है इंसान नुकसान में है यानी तेजी से गुजरता हुआ जमाना ये गवाही दे रहा है कि इंसान नुकसान में है लजीना आमन आमसाल सिवाए वालों के जो के ये चार काम करें उन्होंने तो ईमान लेकर आए फिर अमले साले किया वतवा शोबिल हक़ आपस में एक दूसरे को हक़ की वसीयत की वतवा शोबिल सब आपस में एक दूसरे को की, तलकिन की वो उस अजीम खसारे से इतने बड़ा जो खसारे का तस्कर आ रहा है आ, तो मलकारिया उसके अंदर सारे के सारे इंसान खसारे में जाने वाले हैं इसका गवाही दे रहे हैं अल्लाह लग ज़माने से जमाना भी इस बात की गवाह गवाही दे रहा है और ये तेजी से गुजर रहा है जमाना ये इस बात का गवाह है कि तुम्हारा वक्त गुजर रहा है तेजी से जा रहा है इस वक्त को तुम कोई यूटिलाइज नहीं कर रहे हो वहाँ में अपने लिए कोई जमा करने के लिए बस दुनिया ही के लिए तुमने अपने इस वक्त कोई किया तो जमाना गवाह है सारे के सारे इंसान खसारे में यानी वो जो वक्त आएगा उसमें सब खसारे में होंगे हाँ चार काम कि जो ईमान लेकर आएंगे ईमान के अमली तकाजों को पूरा करेंगे यानी अपने साले करेंगे फिर एक दूसरे को हक बात पर जमा रहने की तलकिन भी करते रहेंगे आपस में भाई बंदों को और सब्र पर उस पर कायम रहने की इसमें मुश्किल भी आएंगी उस पर भी जमे रहने की तलकिन करेंगे ये वो सूरत है जिसके बारे में इमाम शाफी कहते हैं कि कुरान में कुछ ना नाजिल होता बस खाली यही सूरत नाजिल होती तो बस हिदायत के लिए लोगों के लिए काफी था कि अल्ताला ने गिन कर बता दिया कि भाई ये चार काम कर लो खसारे से बच गए नहीं करेंगे वो फिर नुकसान वो खसारे में पढ़कर रहेंगे इंदर इंसान खराबी है बर्बादी है हर उस शख्स की जो आपको ताना देता है आपकी एबजोई करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग ताना दे रहे हैं जोई उनके तरफ इशारा किया जा रहा है कि अल्लज़ी जमा व ददा ये वही है कि जो कि माल जमा करता रहता है उसको गिन गिन कर रखता है उसका असल मतलब मकसूद ये दुनिया है तो लिहाजा ये माल ही जमा करता है और उसका गिन गिन कर रखता है अपने कर है। उसके दिल की कली अगर खुल खिलती है खुश होते हैं तो किस बात से खुश होता है अपने माल को देख कर हाँ जितना माल जमा हो गया माशाल्लाह बस इसी से ही वो खुश होता है अन्ना माल लहू और वो समझता है कि उसका माल उसको हमेशगी अटा कर देगा उसकी माल की वजह से वो दुनिया में हमेशा रहेगा लयुम बजन ना फिर होता हर हरगिज नहीं डाला जाएगा होता मा में कमल होता मा और तुमको क्या मालूम होता मा क्या है नारुल्ला की भड़काई हुई आग है अल्लाह आग जो कि जो कि दिल तक पहुंचेगी यानी आग हालों तक सिर्फ नहीं पहुंचेगी बल्कि ऐसी भड़काई आग है जो कि जाकर दिलों तक पहुंचेगी मोसदा और वो आग उसके ऊपर बंद कर दी जाएगी नहीं तो ओपन आग होती है उसके अंदर चलो फिर भी कुछ कुछ हवा आ रही होती है लेकिन उसी के अंदर बंद कर दी जाएगी फिर मोहम्मद ददा लंबे लंबे सतूनों वाली ये आग है लंबे लंबे सतूनों वाली ये होगी हैं ये हम सबको याद भी है और याद करना भी चाहिए इसको याद रखने की तलकी भी है इसको हम नमाजों में भी अलहमद हम इसको पढ़ते हैं इसके अंदर जो इब्तदाई चार सूरत हैं ये अल्लाह तब तक पेशन गोई कर रहे हैं इस बात को बयान कर रहे हैं कि ये खाना कहाबा ये जो घर है ये मोहम्मद आपको मिलने वाला है यानी इसकी मुतवली आप होंगे उस दौर में पेशन गोई की जा रही है इब्तदाई दौर में जबकि इस बात का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था लेकिन अल्लाह बयान फरमा कि आपको फतह और गलबा नसीब होगा और आप ही इस 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 घर के मुतवली होंगे आप वाहिद होंगे घर के मुतवली लिहाजा इस खाने काबे का तस्करा से आगाज किया गया कि क्या आपने देखा नहीं कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया अलम अल कियादलील क्या हमने उसके दाव को उनकी तमाम कैद को गुमराह बर्बाद नहीं कर दिया यानी वो हाथी वालों का वाक्य वो जो अब रहा आया था खाने खानबों को ढाने के लिए तो जरा देखो अल्लाह तला ने तुम्हारे साथ क्या एहसान किया कि उसको किस

के जरिए ने इस खाने कावा को बचाया तो हमने उनको मानूस कर दिया सर्दी और गर्मी के सफर से यानी इस, इस घर की वजह से उनको अमन और चैन हासिल हुआ वह अमन और चैन जो कि जो में किसी को हासिल नहीं था कोई तजारती काफिला कहीं से जा नहीं सकता था कोई तजारती काफले का का मामला हो नहीं सकता था इसकी वजह यह चीज लूट मार थी उस वक्त हर आदमी जो है वो दूसरे काफिले को अगर कोई माल लेकर आता था उसको लूट लेता था लेकिन इस घर की वजह से हमने तुम्हारे लिए ये चैन नसीब किया कि तुम सर्दी में भी एक सफर कर रहे हो गर्मी में भी एक सफर कर रहे हो तुम्हारे काफिले को कोई नहीं लूटता इसलिए इस घर की इबादत करने के लिए इस गर्द से लोग आ रहे हैं अगर कोई लूटेगा तो बहरहाल इबादत करने के लिए उनको हज के वक्त आना पड़ेगा तो उनको उनको फिर ये लोग छोड़ेंगे नहीं इस वजह से तुमको हमने कैसी आमदन दिया इस घर की कि तुमको हमने मानूस कर दिया सर्दी और गर्मी का सफर और तुम आराम से तयारत करते हो और इस तरह से माल और दौलत इनके यहां भर गया ये मुतम्मल मत, अमीर तरीन लोग ये लोग फिर कहने लगे के लोग तो चाहिए फलिया रब्बा हाजर बैत तो तुमको चाहिए कि इस घर के रब की तुम इबादत करो लेकिन तुम किसकी इबादत कर रहे हो बुतों की इबादत कर रहे हो इसके अंदर तीन सौ साठ तुमने बुत रखे हुए हैं और उसकी तुम बंदगी कर रहे हो तो फलियाबूर फलियाबर रब्बा हाजर बैत उसको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करे अलजी जिसने खाना खिलाया भूख में वो आज उसको अमन, अमन हासिल था खाना भी खिलाया तुमको भूख में फाखा कशी नहीं आई माला दौलत थे इस थे और इन्ही के अमन भी था लिहाजा तो तुमको अपने रब इस घर के रबी की इबादत करनी चाहिए थी लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और फिर इसके बरक्स क्या किया फिर माउन ने बयान किया कि तुम्हारा वो बदब शख्स अब अब लहब आप सल्लम का चचा भी था जो कि इस वक्त मुतवली बना हुआ था खाना काबा का जरा उसका किरदार तो किरदारे यहाँ पर उसका किरदार को बयान किया गया कि आपने देखा नहीं उस शख्स को जो कि है दो दो यही तो है कि जो कि यतीमों को धक्के देता है वला मिस्कीन और मस्किनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता यानी बुनियादी इंसानी नेकी जो है ये बार बार यही बयान हो रही है कि वो क्या है कि यतीमों की सरपरस्ती की जाए कोई आदमी अगर परेशान है तो उसको खाना खिलाया जाए उसकी उसको उसकी देखभाल की जाए यानी तुम्हारे अंदर एक एक दर्द दिल होना चाहिए तभी तुमको हिदायत मिलेगी लेकिन क्या मामला था उस बहुत वक्त का कि यतीमों को धक्के देता था मस्किनों को खाना खिलाने की तरग में देता था फवैल मुसलिन फिर बर्बादी है उन नमाजों की यानी जो यहाँ पर ये लोग जो नमाज पढ़ने आते हैं खाना खबा में ये लोग खाना कहाबा के मुतवली तो बने फिरते थे लेकिन नमाज महज दिखावे के लिए पढ़ते थे ताकि लोगों को पता चले कि हाँ हम भी कुछ मजहबी लोग तो फवैलमसलिन तो हलाकत है ऐसे मुसलमान नमाजियों के लिए किज़ी जो कि अपनी नमाजों से बिल्कुल गाफिल हैं नमाज की असल हकीकत को उनका पता ही नहीं कि नमाज क्या हकीकत क्या असल हकीकत है बस पढ़े चले जा रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए बल्कि बयान हुआ कि वह नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि लोगों को दिखाएं बस दिखाने के लिए पढ़ते हैं दिखाने के लिए इबादत करते हैं व्यम नऊन अलमाऊन और इतने बदबक हैं इतने कठोर दिल है कि आम मामूली चीज़ें भी बरतने की चीज़ें भी अगर उससे मांगा जाए तो वो देते नहीं का मामला जो बार बार बयान किया जा रहा है कि खैर का उनके अंदर वो जज्बा नहीं इनके अंदर का कोई जज्बा नहीं और कंजूसी और हडदर्मी और कठोर दिल्ली का ये मामला है कि आम चीजें भी अगर कोई मामूली चीजें भी कोई मांग ले तो उसको देने से वो इनकार कर देते हैं लिहाजा फिर अगली सूरत में अल्ला ने बयान कर दिया कि आप हम अब इसका गलबा अता कर देंगे ये पेशन गोई दे देंगे इना आता ही ना कल कौसर हमने आपको कौसर अता कर दिया कौसर के कई तरीजों में कलाम ने किए हैं कौसर कसीर से बना है इसके माने बहुत ज्यादा खैर कसीर तो लिहाजा उसके कई फिर माने लोगों ने बयान किए ज्यादा माना जो मशहूर हो गया वो हौज कौसर मशहूर हो गया लेकिन कलाम के रब को अगर देखा जाए तो ये हौज कौसर भी ये माने माने ठीक नहीं हौज कौसर भी है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यासों को पानी पिलाएंगे यहाँ असल मराद क्योंकि तो जो जेर बहस चले आ रही है कि वो ये खैर कसीर यानी ये खाना काबा जो कैसे ये हमने आपको अता कर दिया तो लिहाजा तला बयान फरमा रहे हैं कि ये ये बदबक जो अबू जहल इस वक्त खान काबा का मुतवली बना फिर फिरता है इससे पहले भी खाना ही का तस्करा किया जा रहा है कि इसके अंदर इन्होंने बुत रखे किसी की इबादत करनी चाहिए तो ये खैर कसर हम आपको अता कर देंगे यहाँ पर माजी के सीखे बयान किया कि ये तो हमने आपको दे दिया जब ये खैर कसीर ये खान काबा इसकी सरकर्दगी इसकी सरबराही आपको हासिल हो जाए तो फसल ले, ले रब का वनहर तो बस नमाज पढ़िए अपने रब रबानी कीजिए ये नमाज और कुर्बानी का क्या जोड़ यानी ये जोड़ के इस इस खाने काबाई के अंदर आप नमाज पढ़िए सबसे बड़ी इबादत यहाँ क्या होती है एक नमाज दूसरी बड़ी इबादत यहाँ क्या होती है हज हज हैजरे के एक रुकन का तस्करा कर दिया नहर यानी आमतौर पर ये होता है तस्करी में उस इबादत का अगर कोई तस्करा किया जाए तो उसका एक रुकन कि तुम तुम अंकरीब तुम जाओगे मस्जिद के हराम में और अपने सर मुंडवाओगे यानी तुम उम्र करोगे वो अपने रातें बिताते हैं सजदा करते हुए और क्याम करते हुए यानी नमाज पढ़ते हुए तो कुछ एक करके कुरान की पूरी की पूरी इबादत मुराद ले लेते हैं तो मुराद ले लिया जाता है हकीम में तो यहां पर बयान किया कि जब ये खाना आपको आपकी तवलियत तो हो जाएगी तो आप क्या कीजिए इसमें अपने रब के लिए नमाज को पढ़िए और कुर्बानी कीजिए यानी अपने रबी के लिए इसके अंदर हज और उम्र कीजिए इन शान होगा लगता है बेशक आपका दुश्मनी जो है वो नाम रहेगा जड़ कटा रहेगा उसको कोई नाम लेवा नहीं होगा ये जो आपके दुश्मन है अब इनसे इस खाना कहाबा का कोई ताल्लुक नहीं होगा ये बिल्कुल नाम होंगे तो ये अगर पूरे म से जोड़ ले तो फिर ये कौशर के सही माने हमको मिल जाते हैं वरना हौज कौशर से फिर इस पूरे के पूरे कला कलाम का पूरी की पूरी बात जो चली आ रही है उसका कोई ताल्लुक जुड़ता नहीं अलबत् कौशर एक हो गया आखिरत में जो कि इसी का ही मजदाक है इस काबा के नबी करीम सल्लम जिस तरह से मुतवली है इस खान काबा के अब हो चुके हैं उसी तरह से उस हौज कौशर के मुतवली होंगे और वहां पर वो प्यासों को जो 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 लोग लो शदीद प्यास में होंगे हशर के मैदान में वहां पर आप पानी पिलाएंगे सबको वो एक अलग बात है और ये एक अलग बात है कि चूंकि अगर कराएं तो ये खान काबा है कि जो कि हमने आपको अदा कर दिया आप इसके अंदर आप क्या करें नमाज पढ़ें और और कुर्बानी करें यानी हाजो करें और बेशक आपके दुश्मन का अभी से कोई ताल्लुक नहीं होगा इस आपके दुश्मन नामी रहेंगे कुल या बिस्मिल कह दीजिए कि काफिरों अब ये ये, ये, ये चार सूरतें मैंने बता दी ये चार सूरतें खान काबा की अजमत से मुतलिक था कैसे मैंने इनकी हिफाजत की कैसे मैंने तुमको इसकी वजह से अमन अता किया और ये बदब्त क्या कर रहा है ये खाना कहाबा का और बिल आखिर तुमको खाने काबा की तवलियत मिलने वाली है आप जो है वह खान कहाबा को सरबराही हासिल करेंगे अब ये चार सूरत फिर इसी की एलान बारात की सूरत है बयान किया जा रहा है कि अब ये हजरत से पहले तकरीबन नाजिल हुई कुछ अर्सा पहले तो और इसमें इस बात को अल्ला ने बयान किया कि अब इनसे एलान बारात कर दें चले जाए हजरत करें बिलाखिर फिर हजरत के बाद क्या होगा कि ये सब के सब खत्म कर दिए जाएंगे इन पर अल्लाह ताला का अजाब आएगा और आपको फतेह मक्का नसीब होगी आगे आगे सुरय नसर में खत्म की गई और फिर जो है वो इस खाने काबा की तवलियत आपकी हो जाएगी और आप फिर तोहहीद के झंडे को गाड़ दीजिएगा वो है सूरह इखलास तो कुल या आयो काफिरून कह दीजिए इन काफिरों से इन पर इतम हुज्जत हो चुका है इन काफिरों पर काफिर उन्हीं काफिर के का खताब ताला उसी वक्त देते हैं जब ये जब ये बयान कर लेते हैं कि अब ये हक को जानबूझकर बूझ कर इनकार कर रहे इनके सामने हक आ चुका तमाम होजत हो चुका अब इन्होंने जान बुझ कर इनकार कर रहे हैं तो लिहाजा अब ये काफिर है तो लजीना जिन्होंने किया बराबर है कि आप उन पर उन्हें इंतजार करें या इंजार ना करें ये मान लेकर नहीं आएंगे अब तो काफिर हो चुके हैं अब तो हक को उन्होंने जान बुझ कर इनकार कर दिया तो अब मान के नहीं देने वाले तो काफिर का लफ्ज का इतलाक उसी पर होता है कि जिसके सामने हक आए और वो जान बूझ कर इनकार कर दे तो कहा गया कह दीजिए इन काफिरों से कि लाआ दो माता मैं नहीं बंदगी करता जिसकी तुम बंदगी करते हो भाला अंतुम आवेदना महाबुद और ना तुम बंदगी करने वाले इबादत करने वाले हो जिसकी कि मैं इबादत करता हूँ गया कि अब तुम हमारी बात को नहीं मानोगे भला ना आवेदु महाबत तुम और ना पहले मैं कभी बंदगी किया उसकी जिसकी तुम कभी बंदगी करते हो मैं कभी इस तरफ नहीं आ सकता भला अंतम आवेदना महाबुद और ना तुमने पहले कभी बंदगी की उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ लकुमदीनकुम बोलिया दीन तो जाओ दफा हो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है मेरे लिए मेरा दीन है, मैं दीन पर चल रहा हूँ तुम अपने दीन पर चलते रहो जैसा दिल चाहे तुम्हारे तुम करो दफ़ा हो अब वो तुम पर अजाब तो आएगा अब मैं बरात कर रहा हूँ अब जाऊँगा कुछ अरसे के बाद तिर पेशन गोई की ये मक्की सूरत है सुर नसर और इसमें अल्लाह तेसन गोई की जा नसर वर्फत और जब आ जाए अल्लाह तदद और फता आप देखेंगे लोगों को कि वो दाखिल हो रहे होंगे अल्लाह ताला के दीन में फौज दर फौज यानी जब वो फतह आ जाएगी यानी खाना काबा की तवलीद भी आपको मिलेगी और फिर फतह भी आ जाएगी इस मक्के को इस सरजमीन को आप फतह कर लेंगे ये पेशन गोई अल्लाह ताला की तब जब फतह हो जाएगी तो आप ये देखेंगे तो फौज दर फौज दाखिल हो रहे होंगे हजारों की तादाद में आप लोग ईमान ला रहे होंगे फसब वस्ता फिर तो अब आपने रबी की हम कीजिए उसकी तारीफ के साथ हमद कीजिए और तस्बी कीजिए अपने रबी की पाकि बयान कीजिए आपका रबी है कबूल करने वाला हैोई भी की बात कि ये जो काबा का मुतवली बना फिर फिरता है इसके दोनों दोनों हाथ टूट जाने से मुराद उसके आहान और अनसार टूट गए इसकी ये जो जो भी मददगार है जो 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 भी कुरैश सरदारान है जो इसके मददगार है वो सब सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे वो ऐवान एवान व तब और ये खुद भी हलाक होके रहेगा चंदी अरसे के बाद फिर गजबा बदर हुई और सारे के सारे सरदारान सरदारानैश वासी जहन्नुम हुए सवाई इस, इस बदबक शख्स अबू अबूलहब के क्योंकि ये डर के मारे जंग करने के लिए नहीं गया अपने दो कारिंदों किराए के और इसके बाद छह महीने ही के अंदर अंदर इसको ऐसी जबरदस्त किस्म की बीमारी पैदा हुई अदरसे की बीमारी जिसे कहा जाता है जिससे उसके जिसके जिसम के अंदर बदबू पैदा हुई उसको लोग छोड़ने गए छोड़ लोग उसके कोई करीब तक नहीं आता था इसलिए कि वो फैलने वाली बीमारी थी जैसे आज कोरोना है फैलने वाली बीमारी इसको हो जाए तो लोग उसके करीब नहीं आते थे इसके भी लोग करीब तक नहीं आते थे बल्कि उससे भी बुरी बीमारी कोरोना भी कुछ नहीं वो ऐसे की बीमारी की जिसम से बदबू आ रही थी और रही थी इसके अपने बेटे अपने घर वाले ने भी उसको छोड़ दिया वो तड़प तड़प कर उसी में अकेले में मर गया मर जाने के बाद भी दो दिन तक उसके घर में लाश सड़ती रही इसकी वजह यह थी कि उसके करीब कौन जाएगा तो कोरोना लग जाएगा उसको जो भी उसके करीब जाएगा यानी बीमारी उसको लग जाएगी तो फिर बाद में जब जब उन जब उसके बेटे को कहा गया कि भाई इनके लाश का कुछ करे तो उसने दो बंदे किराए पे लिए और उसने डंडे से घसीट घसीट कर उसकी लाश को उठा के किसी किसी तरह जो है वो गड्ढे में फेंका अंजाम हुआ तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि जो लहब के जो ये अवान अंसार हैं हाथ से क्या मराज होता है मेरे ये बाजू मेरे हाथ यानी ये जो मेरे दस्त तो रास्ते हैं मेरे बाजू हैं तो इसको हम ये कहते हैं नहीं, ये हमारे हाथ हैं तो इसके जो भी दस्त तो रास् थे वो सब के सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे ये सब टूट के रहेंगे और ये खुद तबाह बर्बाद होगा हलाक होगा माघ काम ना आएगा ना तो इसका माल वसब मा, और जो भी इसने कमाया कुछ काम ना आएगा नाराण लहब अन करीब दाखिल होगा ये लहब आग वाला यानी इसकी कुत थी इसका नाम तो था अबू लेकिन ये कुयत थी अबू लहब इसलिए उसका चेहरा बड़ा शोले मारते हुए आग की तरह था खूबसूरत लगता था ये तो कहा जा रहा है कि ये जिस तरह इसका चेहरा है आग वाला तो ये आग वाला जो है नबी भी। भी बहुत 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 करीम सलीजा पहुंचाती थी, थी जैसे ये ईजा पहुंचाता था घर से नबी करीम को सगा चा भी था और पड़ोसी भी था लेकिन दुश्मनी में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी हर तरह से भी और इसकी बदबक बीवी ने भी हम जो के इसके लिए लकड़ी का ईंधन उठाएगी यानी और इजाफा करेगी लकड़ी का ईंधन अपने, अपने हार एक पहना करती थी बड़ी कीमती लोगों को दिखाती भी थी और कहती थी इससे बेच कर मैं जो हूँ इस नबी वसल्लम के खिलाफ काम करूंगी वगैरह वगैरह रवायत तो मिलता है तो अल्लाह तय फरमाने की हार जो है क्या बनेगा गर्दन में बटी हुई रस्सी बनेगी ये ये दोनों के दोनों तबाह तो बर्बाद होंगे ताला ने पेशन गोई की नबी वसल्लम तो को बयान कियाब कि और उसके खत्म होंगे इससे उस वाके का कोई नहीं जो उसने ये कहा था कि जब नबी करीम वसल्लम ने अपनी दावत का ऐलान किया तो कहा कि हाथ टूट जाए मोहम्मद माज अल्लाह ये वाक्य अपनी जगह हुआ था बिल्कुल इतदी दौर में लेकिन वह तब्बत का जो है वो कॉमन मिल गया तो लोगों ने फिर उसको इस वाक्य से जोड़ दिया उसी वक्त फिर सुरत हो कि दोनों हाथ अबुलहब के टूटे क्यों मोहम्मद के टूटे तो ये इस वाक्य से इसका कोई ताल्लुक नहीं आखिरी दौर में दरिकत नाजिल हो जैसे मैंने आज किया कि कौसर के लफ से लोग उस और जो है वो से कौसर बना दिया हालांकि पूरा का पूरा मजबून ये बता रहा होता है कि नहीं ये हौज कौसर नहीं है बल्कि खैर कसीर है तो उसी तरह लोगों ने वो वाक्य भी उससे जोड़ दिया वो वाक अलग वाक़ है और ये बात अल्लाह तलग बात बयान कर रहे हैं कि अबुल हब के हाथ यानी उसके एवानों उसके साथ ही तो ये बयान किया गया कि एक, एक तो आपको गलबा होगा सूर्य नसर में बयान किया और जो आपके दुश्मनान है वो सबके सब, सब तबाह बर्बाद होंगे ये नहीं कि महज आपका गलबा ही हो जाएगा और ये दुश्मन ऐसी तरह फिरेंगे उस सब के सब हलाक होकर रहेंगे सबके सब, सब तबाह बर्बाद होकर रहेंगे सारे के सारे उसकी अल्लाह ताला ने इनकी पेशन गोई की और जब ये गलबा हो जाए तो तौहीद को आप गाड़ दीजिए तौहीद को कायम कर दीजिए लिहाजा आखिरी सूरत में बयान कर दिया गया कुल हो वह आहद कह दीजिए कि वो अल्लाह तआला यकता है अल्लाह ही है तकता अल्लाह ही वाहिद है बल्कि वाहिद नहीं अहद वाहिद से तो फिर इतना भी आएगा दूसरे का लफ्ज भी आएगा लफ्ज वाहिद इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि अहद इस्तेमाल किया जो सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए कि वाला ताला यूनिक है यकता है उस जैसा कोई नहीं यानी वाहिद अगर कहते हो तो वाहिद से फिर जैसे मैंने बताया इतनाइन होगा तो वो भी उसी के बराबर आ जाएगा तो नहीं वो वाहिद नहीं बल्कि यकता है वाहिद भी है यकीन वो एक भी है लेकिन वो यूनिक है वो अल्लाह तबा कुल कोई नहीं अल्लाह समद अल्लाह सब का सहारा है अल्लाह सब के साथ है ये भी तर्जुमा तो किया गया है कि अल्लाह सबसे बेनियाज है सब उसके मोहताज ना तो उसने किसी को जना ना तो उसका कोई बाप है वलम यूलद और ना ही तो उसका कोई बेटा है ना तो ना तो उसने किसी को जना और ना कोई जना गया बिल्कुल यूनिक बिल्कुल अलग थलग उसको ना बेटे की जरूरत ना बाप की जरूरत किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं वो शख्सियत है कि तुम समझ ही नहीं सकते उसकी ज़ात पर तो तुम गौर ही नहीं कर सकते वलम यकुलहू कफ नाह और कोई भी उसका कुफ नहीं है कोई भी उसका हमसर नहीं है उसके हम पल्ला ही नहीं उसकी मिसाल जैसा भी कोई नहीं यानी किसी चीज़ को समझाने के लिए हमें मिसाल देनी पड़ती है तशबी का उसलूब इख्तियार करना पड़ता है जैसे कुरान हकीम ने आखिरत की चीजों को समझाने के लिए तशबी का उसलूब इख्तियार किया मिसाल से समझाया जाता है अल्लाह के लिए कोई मिसाल ही नहीं हो सकती किसी कोई मिसाल ऐसी है ही नहीं कि जिससे हम लंबी को, जिस बड़ी बड़ी सूरतें एक तिहाई कुरान इसीलिए नबी के बहस कर रहा है कि तोहही परस हो रही है तो यहाँ पर तोहिद को बयान करके मजमून के से कुरान को यहाँ खत्म कर दिया बहुत ही खूबसूरत में हमने कहा था कि ये पूरे कुरान का एक है। कुरान असल अपने कहाँ से हो रहा है ला रहे। तो उसी तरह ये उनका खात्मा है अब जो है वो दुआ के तौर पर इस बात को बयान किया जा रहा है कि जैसे खात्मे पर दुआ होती है तो हिदायत मुकम्मल हो चुकी तो मोहम्मद कहा जा रहा है कि अब इस हिदायत के शुरू से पनाह मांगने के लिए यानी यानी मुख्तलिफ शुरू से पनाह मांगने के लिए कि हिदायत हमें हासिल तो हो जाए लेकिन ऐसा ना हो कि शैतान रखना अंदाजी करे उसका तस्कर अगली सूरत में आ गया कि शैतान से पनाह मांगने के लिए अरे मोहम्मद आप किस तरह से दुआ करें तो दुआ पर जैसे खात्मा होता है तो दुआ पर इसको आने की खात्मा हो रहा है फुल के दुआ किया करें कि आउजु, आउजु भी फलक में पना में आता हूँ फलक के रब की सुबह को नमोदार करता है अब इतना वक्त नहीं कि इन सारे अल्फाज की भी जो है वो वजाहत की जाए इनशाला सिलसिला जारी रहेगा हम इनशा हफ्ते बार भी मिलेंगे अब आपको ऐलान कर देंगे अब जावेद साहब तो हो सकता है कि ये वो बातें जो कि बड़ी मुभम सी रह गई मैं उसकी वजाहत भी कर दूं कभी तो मैं नमोदार होने के रब की कसम खा कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ उस रब की जो कि सुबह को नमदार करता है मिन शर्र माहक हर उस हर उस हर की शर से जो उसने पैदा किया जो उसकी भी तखलीक है उसका एक अच्छा पहलू भी है और उसका एक बुरा पहलू भी है उसमें जो शर का पहलू है आप उसकी पनाह में आने के लिए उस, उस शर से बचने के लिए दुआ किया किरें वह मिन शर गा से हसन एजा वक़ब और अंधेरे के शर से कि जब वो छा जाए यानी अंधेरे के अंदर बहुत सारे शुरू पैदा हो सकते हैं चोरी डकैती और के गलत काम इस अंधेरे में होते हैं तो इसके तमाम शुरू से पनाह की दुआ मांगा किया करें वो मिन साथ और फूके मारने वालों या फूके मारने वाले गुराहा में फूके मारे ये इस्ते है जादू के लिए यानी जादू की भी एक हकीकत है और जादू के शर से भी आप यूँ पना मांगा करें नबी करीम पर भी एक जादू का वाकत बयान किए जाते हैं अगर जो उसके अंदर कहानियां बहुत है बहुत सारी चीजें हैं लेकिन बहरहाल आपने भी फिर उस उससे जो भी मामला हुआ तो इस इस शरूर के इस इस सूरत सूरत के जरिए से आपने आप अल्लाह ताला के हुजूर इस पनाह मांगी तो जादू के शर से भी करेंदर और हसद करने वाले के शर से भी जब वो हसद करे जब कोई शख्स हसद करता है तो उससे भी एक शरूर नमोदार होता है वो आपको असर करता है तो लिहाजा उस शर से भी पनाह मांगा करें शर से भी आप कहा करें कह रहा हमारे मैं आपकी पनाह में आता हूँ उसी तरह बिल्कुल सेम वैसे ही दुआ दोनों सूरत बिल्कुल आपस में जोड़ा और पेयर ने बिस्मान रही हम कुल औुबिर ना आप कह दीजिए कि मैं पना में आता हूँ लोगों के रब की जो कि लोगों का रब है माल, मलेकिन नास जो कि लोगों का बादशाह है का माबूद है मिन शर्रिल वस्वास। हर उस शय की शर से जो कि वसव से डालता है यानी शैतान से पना मांगने की तरह उसके अंदर दुआ की गई कि शैतान जो कि जाता है किल नाश जो कि वसव से डालकर एक तरफ हो जाता है पहले वसु से डालेगा बरकाएगा उस तरफ और फिर जो है वो फिर कहेगा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं शायद का यही मामला होता है मैंने तो नहीं कहा था अल्लाजी ना जो के डालता है लोगों के दिलों में दिलों में जाकर ये वसवसा अंदाजी करता है ये ये नफ्स इंसानी भी हो सकता आगे है आगे बयान किया वो कौन हो सकता है मिनल जिन्नते व नास वो जिन्नात में से भी है और इंसानों में से भी है यानी इंसानों में से भी ऐसे लाता लोग हैं कि जो कि इसी तरह से वसवसा अंदाजी करते हैं लोगों को

अल्लाह ताला हमें इस तमल की तोहफ़ी नसी फरमाइया दरक़ीकत वैसे ये कुरान हकीम का कोई ख़ुलासा भी नहीं था बल्कि देखा जाए तो ये मैंने सिर्फ़ कुरान हकीम के वो चंद जो कि हमसे ख़ताब करते हैं मैंने सिर्फ़ उसी को ही हाई किया था आपके सामने और उस और मैंने यही कोशिश की कि उस पैगाम को पहुँचा दिया जाए से मुरादर हकीकत ये नहीं है कि कुरान है कि बाकी जो मकाम हैं वो कोई गैर जरूरी है और वो हमें नहीं पढ़ना चाहिए पूरा का पूरा, पूरा पुरा दरक़ीकत हमारे लिए हिदायत है और हम उसी को ही पढ़ें उसी को ही समझें यानी मैं तो हमेशा तरावी में कई ऐसा पहले भी पूरा का पूरा कुरानी पुरा पढ़ाता रहा लेकिन जावेद साहब के इरार पर कि उन्होंने ये कहा कि नहीं आप जो है उस चंद इंत करें और उसका खुलासा बयान करने की कोशिश करें तो अगरचे ये कोई खुलासा तो नहीं है कि हम उसको कोई खुलासा कहें यानी अल्लाह ताला की बात का खुलासा बयान करना ये वाकई किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं लेकिन वो खास मकाम जिसको कि मैंने ये समझा अपनी दानिश में कि ये मकाम हमसे खताब करते हैं तो मैंने उसका कुछ तारुफ यू समझने के कराया लेकिन उसका भी सही मैसेज वक्त की तंगी की वजह से और तो, अल्लाह तैगाम भी है कि वो वह वो, वो, वो वक्त भी लेता है उस वक्त की तंगी की वजह से मैंने उसका मैसेज बस किसी कलर कन्वे करने की कोशिश की बल्कि यूं समझ लें कि मैंने उसका सिर्फ तारफ़ी कराने की कोशिश की जैसा कि जावे साहब आपको बार बार कहते भी रहे हैं कि ये महज एक तारुफ है ताकि आपके अंदर वो शौक और जज्बा पैदा हो कि फिर हम ये पूरा का पूरा कुरान पढ़ें अल्लाह ताली का ये कलाम पूरे को पूरे हिदायत है इसमें कोई भी मुकाम ऐसा नहीं है कि वो गैर जरूरी है हम उसको छोड़ दें और जो ज़रूरी मुकाम है उसको कुरान खुद ही कहता है कि उसकी बाद आयात को हमने जामे कर दिया है तो उन जामे मकाम का मैंने इंत करके आपके सामने इसका कुछ तारुफ किया तोफी फरमाए और अल्लाह समझ नसीब फरमाए और असल चीज़ अमल है अमल की तोफ़ी नसीब फरमाए जिस मकसद की दुनिया में हमें भेजा है उस मकसद में अल्ला हमें इस्तेमाल फरमाएलमसिमात अभी जैसे कुछ खिताई खिताब अर्ज किया गया था कि जावेद साहब कुछ एलाना भी करेंगे आगे के लाह के लिए तो कुछ थोड़े से आज वक्त तो बहुत ज़्यादा हो गया है इंतहाई माजरत पहले भी आपसे की जा चुकी थी लेकिन आज आखिरी दिन है तो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा भी है लेकिन कुछ अर्स थोड़ा सा टाइम और लुकें ताकि वो इख्तामी बात जो जावेद साहब कहना चाहते हैं वही इस प्रोग्राम के इंचार्ज थे तो वो तो आपके सामने रखेंगे जी जावेद साहब जजाकुमुल्ल इफ्तार भाई अल्लाह ताला आपको जजाय खैरता फ़रमाए आपके इल्म में और आपके बयान में जो है और तरक्की दे ताकि आप कुरान के इस प्रोग्राम को जारी और सारी रख सकें मैं तमाम अपने शुरका का इंतहाई ममनून हूँ कि महज अल्लाह की तोफ़ी के साथ हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ पहली रमज़ान से किया था और आज मकाम शिक्र है कि अल्लाह ताला ने यह शादत बख्शी कि हम पूरे क़ुरान से बस गुज़र से गए हैं जैसा कि इफ्तार भाई ने फरमाया कि बस एक तारुफ हम कह सकते हैं बल्कि एक तारुफ का भी लफ्ज़ जो है शायद ज़्यादा हो बात तो ये है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी लगा कर भी इससे गुजरे तो फिर वो यही शिकायत करता हुआ जाता है कि इसका हक जो है वो अदा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कुरान के इस नशिस्त में और इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं तो सवाल ये है कि आगे क्या किया जाए हमारे मुफसरिन ने इस बात को समझाने की हद तक इस क़ुरान के पांच हुकूक बयान फरमाए हैं समझने की हद तक और वो पांच हुकूक आपने पहले भी सुने होंगे मैं तस्करन आपके सामने उन हुकूक का जिक्र करता हूं ताकि हम आइंदा का लाहे अमल तैयार कर सकें अपनी जिंदगी का कुरान के वो पांच हुकूक हैं पहला हक इसका यह है कि इसकी तिलावत की जाए इसको पढ़ा जाए इसका दूसरा हक जो है वो इसको समझा जाए यानी न सिर्फ पढ़ा जाए बल्कि इसको समझकर पढ़ा जाए तीसरा हक इसका यह है कि इस पर अमल किया जाए इसका चौथा हक यह है कि फिर इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए इस पैगाम को और इसका पांचवा हक यह है कि फिर इस कुरान को जो है वो नाफिस किया जाए ये कुरान जिसलिए आया है उसका जो अल्टीमेट गोल है कि जो हमने कुरान मजीद के आयत में पढ़ा है कि इसको फिर नाफिज किया जाए इस कुरान को मैं चंद मिनट आपके मज़ीद और लूंगा ताकि बात को पूरी तरीके से मैं तस्कीर कर सकूं कि ये तिलावत और उसकी तफहीम कि हम पढ़ें और उसको समझें आखिर हम क्यों करेंगे इसलिए कि हम मुताले कुरान से जब हम गुजर रहे थे तो हमने ये देखा कि इस कुरान में ये बताया गया है कि इंसान और इस दुनिया की हकीकत क्या है जाहिर है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है और इसको मुसलसल पढ़ने की ज़रूरत है कि इस दुनिया की हकीकत क्या है और इंसान की हकीकत क्या है उसको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है और फिर वो किस अंजाम से जो है वो दो चार होता हमने ये भी पढ़ा है कि इस दुनिया में इंसानों को भेजा गया तो फिर एक शैतान भी उसके साथ इस दुनिया में उतरा है और ये शैतान जो है ये घात में लगा हुआ है कि हमें सीधे रास्ते से भटका करके जो है वो किसी दूसरे रास्ते पर लगा दे इसलिए इस कुरान को पर अमल करने के लिए इस पगामीन को समझने के लिए यह शैतान हमें वसवसे डालकर हमें मंजिल से दूर करना चाहता है लिहाजा इस कुरान के पैगाम को मुसलसल पढ़ने की ज़रूरत है इसमें अकायद की याद दहानी है कि हमारा अक़ीदा क्या है इस दुनिया को हमने क्या समझा है इस इंसान को हमने क्या समझा है इसकी मुसलसल याद दहानी की ज़रूरत है और ये याद दहानी हम इसकी तिलावत और इसकी तफहीम से हासिल कर सकते हैं इस पर फिर हमें ये बताया गया है कि हम क्या करें और क्या ना करें ज़ाहिर है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें इस कुरान को पढ़ने के बाद हमें कौन से अमल करने हैं और किन अमाल से हमें बचना है लिहाजा मुख्तरा बात यह है कि इस कुरान को पढ़ना और समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारे साथ जो शैतान लगा हुआ है जो हमें इस रास्ते से भटका कर कहीं और ले जाना चाहता है हमें उस जिक्र को बार बार पढ़ करके अपने जहनों में ताज़ा रखना है इसका तीसरा हक अमल करना है और अमल जो है वो दरअसल जो कुछ हम पढ़ते हैं अगर हम उसको अमल में ले आए तो इसका मतलब यह है कि हमने उसकी तस्दीक की है और अगर अमल अमल से गाफिल रहे तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने उसकी तकजीब कर दी है जिन बातों को हमने इस कुरान में पढ़ा और समझा है जहाँ पे कहा गया है कि इस पर अमल करो अगर हमने अमल किया तो फिर हमने इसकी तस्दीक की अगर हमने इस पर अमल नहीं किया तो फिर हमने इसकी तकजीब की लिहाजा इस बात को जानने का कि कुरान में क्या कहा गया है इसका लाजमी तकाजा है कि इस पर अमल किया जाए अगर हम इसको पढ़ करके भी इस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर हम जो है इसका मतलब यह है कि हमने इस कुरान को पढ़ करके हमने इसको इसकी तकजीब कर दी है बहुत अहम और नाजुक मामला है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कुरान मजीद में हर जगह पर इस बात का जिक्र मिलता है कि ईमान और अमल साल है इसका लाजमी तकाजा है कि इंसान जो है इस पर अमल करे लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए कि अगर हम अमल कर रहे हैं तो फिर तो कुरान पर ईमान है लेकिन अगर हमारा अमल जो है कमज़ोर है तो हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए कि जिस बात को हम के जबान पर ला रहे हैं हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसके बाद इसका चौथा हक यह है कि इसकी तबलीग की जाए आप देखिए यह भी इस फिक्र का इसका फितरी तकाजा है कि हम जिस चीज को हमने अपने लिए बेहतर समझा है जो बात हमारे इल्म में आ गई है इसका एक फितरी तकाजा है कि हम जिनसे मोहब्बत करते हैं हम जिनके लिए जो है अपनी दिन और रात लगाते हैं उसको ये बात पहुंचा दी जाए इसका सबसे पहला हक तो ये है कि जो हमारे घर वाले हैं हम उन तक ये बात पहुंचा दें कि यह कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और इस पर कहाँ पर अमल करना है कहाँ पर रुक जाना है सबसे पहला मुखातब तो हमारे घर वाले ही हैं और इसके बाद दर्जा बदर्जा कि हमारे अजीज़ व अकारब हैं हमारा फिर मोहल्ला है फिर हमारा शहर है फिर हमारा मुल्क है और फिर ये पूरी दुनिया है इसलिए कि अल्लाह ताला ने नबी के आने का सिलसिला बंद कर दिया ये भी हमने कुरान में पढ़ा है ख़ातुन नबी इन हजूर अक्रम वसल्लम की जात है लिहाजा अब ये कुरान का पैगाम पहुंचेगा कैसे इसके लिए उम्मत मुस्लिमा को ये ज़िम्मेदारी दी गई है और हमने इसी मुत कुरान में हमने ये पढ़ा है कि अब ये उमत मुसलिमा जो है ये मुसलमान कौम है और ये मुसलमान कॉम पर अब ये ज़िम्मेदारी है इसकी अहमियत भी हमने पढ़ी कि इसको जो है फिर पूछा जाएगा फिर शहादत ली जाएगी और ये शहादत के मकाम पर हजूर अक्रम सम को भी खड़ा किया जाएगा और उसके बाद फिर हमें खड़ा किया जाएगा अल्लाह के रसूल सल वसम ने तो इसका हक अदा कर दिया अब ये सवाल है कि क्या हम इसको दूसरों तक पहुंचाने का हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसके बाद इसका पांचवा हक वो ये है कि इसको नाफिज किया जाए देखिए ये बात भी बड़ी अहम है अगर मैं ये बात कहूँ कि सऊदी अरब में आने वाले लोग जो उम्र पर आते हैं उसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान से आने वाले लोगों की है और बिला शुबा ये एहसन बात है कि लोगों के अंदर ये जज्बा है लोगों के अंदर ये फिक्र है और वो जो है इस नेकी के जज्बे के साथ जो है वो यहाँ उम्रे के लिए आते हैं माल भी खर्च करते हैं तकलीफ़ें भी और सवतें भी उठाते हैं लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू पर देखें तो फिर हमारे मुल्क जो है अगर हम उसको करप्शन बदयांती, झूठ धोखा दही अगर हम इन चीजों पे देखें तो इन चीज़ों पे भी हम तमाम मुल्कों में सर फहरिस्त हैं आखिर सवाल है कि ये क्यों होता है ये वो इसलिए है कि कि वो निज़ाम जो उस मुल्क में कायम है वो निज़ाम इंसानों को नेक नहीं रहने देता यहाँ से लोग जो है जब वापस जा रहे होते हैं तो ईमान के जज्बे से भरपूर और अहद करके जा रहे होते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बदल देंगे लेकिन जब वहां पर जाकर के जिस निजाम से उनका वास्ता पड़ता है वो निज़ाम जो है उनको फिर उन्हीं रास्तों पर लगा देता है जिन रास्तों को वो छोड़ कर यहाँ पर आए थे लिहाजा ये निजाम जो अल्लाह ने हमें दिया है हमने इसमें पढ़ा है हमने इसमें पढ़ा है कि कवानी क्या हैं मीषत कैसे चलेगी माशरत कैसे होगी हमारा निज़ाम सियासी कैसे बनेगा हम लोगों का कैसे ख्याल रखेंगे ये सारे वो कानून हैं जो अल्लाह ताला ने इस पुरान मजीद में नाजिल किया। इसका हक है कि इसको नाफिस किया जाए ताकि जो है वो माशरा हमें फैसिलिटेट करे नेकी की तरफ बढ़ने और नेकी पर चलने के लिए आज हमारा माशरा हमें फैसिलिटेट करता है बुराई की तरफ झूठ की तरफ बदती की तरफ रिश्वत और धोखे दही की तरफ जो है वो हमें फैसिलिटेट करता है लिहाजा मेरे भाइयों हमें इस क़ुरान को नाफिज भी करना है लिहाजा जो लोग इन कोशिशों में लगे हुए हैं हमारा ये हक बनता है कि उन लोगों की कोशिशों में साथ बटाएं, उनके हाथ को मजबूत करें ताकि वो एक ऐसा माशरा कायम हो जाए जिस माशरे में जो है हम नेकी को आसानी के साथ कर सकें और बुराई से जो है हम दूर रह सकें लिहाज़ा ये पांच हुकूक हैं जो क़ुरान जो हमने अभी पढ़ा है जो कुछ बातें हमारी समझ में आई हैं अगर हम इन चीज़ों पर अमल करें तो फिर अल्लाह ताला ने जो इस कुरान को नाजिल किया है दरअसल हम उसको पालेंगे वरना तो अगर हमने इन चीज़ों को भुला दिया और अपनी ज़िंदगी वैसी गुजारते रहे तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी में ये कुरान आया भी या नहीं आया लिहाजा अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताली हमारे इस कलाम को सुनने की बरक़त से हमारी ज़िंदगियों को बदल दे और हमें कुरान पर कुरान का फ़हम अता फ़रमाए उस पर अमल की तोफ़ी अता फ़रमाए जजाक खैर ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं इन दुआ पर हम इस प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे बस एक बात हम आपसे ये करना चाह रहे थे कि इन आइंदा जुमे को इसी वक्त और इसी लिंक के साथ इन हम अपनी एक मजलिस करेंगे जिसमें हम सब भाइयों से दरख्वास्त करेंगे कि उसमें शरीक हों वहाँ पर हम आपस में गुफ्तगु करने के बाद आइंदा हम इस प्रोग्राम को कैसे लेकर चलेंगे उसका हम वहाँ पर इन शीलान आपसे मशवरे के बाद उसका ऐलान भी करेंगे तो मैं आप सब से गुज़ारिश करूँगा कि अगले जुमे को सवा नौ बजे ही इसी लिंक के साथ हम दोबारा इस मजलिस में शरीक होंगे और आइंदा के प्रोग्राम के लिए मशवरा भी होगा और ऐलान भी होगा तो मैं आखिर में इफ्तार भाई से गुजारिश करूंगा कि दुआ पर इस प्रोग्राम का अख्ताम फरमाएं बिलखसूस हमारे जो लोग यहाँ बेचारे बीमार हैं कुछ इस वबा से बीमार हो गए हैं उनके लिए खसूसी दुआ फरमाइए और उसके साथ साथ इस बात की भी खसूस दुआ फरमाइए कि ये अल्लाह ने जो ये वबा की सूरत में आजमाइश डाली है अल्लाह ताला हमें इससे दूर कर दे हमें इससे निकाल करके ले जाए इसके बाद हम अपने इस मीटिंग को जारी रखेंगे जो साहब इसमें शरीक होना चाहें इन वो अपनी बात को यहाँ पे कर सकेंगे जो साहब अपनी इससे रुखसत होना चाहें तो हम उनका इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की अल्लाह ताला सबको खैर और बरकसा तो करतीस तो मई, जी 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 मई वाला तो जो जुमा है उस जुम्मे में हम इन इसी लिंक के साथ मिलेंगे सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक सवा नौ बजे और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक इसी तरह सवा ग्यारह बजे और बाकी तमाम लोग अपने अपने الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ائنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ائنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب كما ربى يعني صغيرا رب رحمهم كما ربى يعني صغيرا امين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة ولا تخذنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد काफ़ून करीम काीमतही बुलफ वफाफ आना या रहीम या करीम या सत्तार या जब्बार कबीरा गुनाहों को माँ फरमा से गुना सरजद हुए हैं अपने फजल करम से माँ फरमा यादा गुनाहों से बचने की तोफीक नसीब फरमा या रब्बल आलमीन अपने दीन का सही फहम अता फरमा या दीन का सही समझ नसीब फरमा या अल्लाह उस पर अमल करने की तोफ़ी नसीब फरमा या अल्लाह इस पूरे प्रोग्राम में पूरे इसमें जो बात भी कही गई है या अल्लाह जो भी आपकी हिदायत की बात है या अल्लाह उसे हमें अपने हिर बनाने की तौफीक नसीब फरमा या अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा या अल्लाह उस उस, उस उस, चीज़ का कि तू हमसे पूछेगा जो तुझे इल्म दिया गया था उस पर कितना अमल किया या अल्लाह पूरी तौर पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा या अल्लाह अगर कोई कोई गलत गलत बात पैगाम चला गया मुझसे गलती से जल्दी जल्दी में कुछ हो गया तो, तो यार अब हमारे तो हमें माफ़ फरमा और या हमारे जहनों से उसे महफ़ कर दे हमारे दिल से उसको महफ़ कर दे सही, दा, दा। हमें तो हमें सही बात की तरफ हमें हिदायत नसीब फरमा सही बात की हमारे हमें, हमें समझ नसीब फरमा या तूने जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है या उस मकसद में इस्तेमाल फरमा या जिस के लिए उस दुनिया में तूने हमें भेजा है या ला उस इम्तहान में कामयाबी नसीब फरमा या ला उसी मकसद में है तो हमें इस्तेमाल फरमा या ला आखिरत की हमेशा हमेश की कामयाबी नसीब फरमा या अला हर तरह के अजाब से बचा या ये जो मुसीबत और ये जो आफत आई हुई है या दुनिया में, या पूरी दुनिया को इससे महफूज फरमा या इसको बच। हमें हम जिस भी नाराजगी की वजह से ये आई है या हमसे राजी हो जा हमें हम इस मुसीबत से बचा या इस बीमारी से हमें बचा ले जो लोग शिकार है उनको शफा आता फरमा या पूरी दुनिया से इस बीमारी से बचा ले या इसके वजह से और जो मसायल पैदा हुए हैं या अपने फजल करम से उसके अंदर मदद फरमा और या अल्लाह फिर से जिंदगी को उसी तरह से रवा दवा फरमा दे या अल्लाह हम अपने खताओं की माफ़ी मांगते हैं या आलमीन आइंदा खताओं से बचा या अल्लाह जिस गुनाह की वजह से ये जो हमसे नाराज़ हुआ या अल्लाह उस गुनाह से बचा या अल्लाह आइंदा से नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमा अपनी फरमा बर्दारी या, रब हमारे तौफीक या हमें जो भी जिस जायज़ दुआ में लगे हैं उनकी जायज़ दुआ को कबूल फरमा या अल्लाह जो भी जिस परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा या अल्लाह जो भी बेरोजगार हैं इस इस वबा की वजह से भी उनकी रोजी छूट गई हो बेरोजगार हो गए प्रॉब्लम में आ गए या अल्लाह अपने फजल करम से उनकी सारी माशी प्रॉब्लम को दूर फरमा उनको रिस्क हलाल अता फरमा उनको रोजगार अता फरमा हमारे हम सबको रिस्क हलाल अता फरमा या अल्लाह हमें हराम से बच फरमा हराम में वो मारने की हराम से रब हमारे हमने बिल्कुल दूर फरमा दिया और रिस्के हलाल अ फरमा अपना बंदा बनने की तोफीक नसीब फरमा अरब हमारे अरब हमारे में जो भी बीमार है उनको शफाता फरमा जो किसी और बीमारी मुबतला है उनको शफाता आता फरमा हमारे बहनोई रियाज अहमद खान साहब कराची में बीमार है हॉस्पिटल में एडमिट है अरब हमारे उनको शफा आता फरमा शफा आदला व कामला नसीब फरमा यार हमारे जो जो भी हमें बीमार है अरब हमारे उनको फरमा जो भी जो जायज दुआ में लगे हैं उनको खुदा फरमा या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना रहम फरमा या अल्लाह हमारे मुल्क में पाकिस्तान पर अपना रहम फरमा या अल्लाह उसको हर तरह की बदहाली पाश माशी मुसीबत हर तरह की परेशानी से या अल्लाह तो उसे दूर फरमा या अल्लाह करप्शन हर तरह के नाजायज अमल जो हमारे मुल्क में हैं ये ऐ हमारे उससे तू हमें दूर फरमा ऐ हमारे हमें नेक और صالح हुकमरां नसीब फरमा या अल्लाह जो भी तू हमें कुरान नसीब फरमा वो आदिल हों वो उस साले हों है अरब हमारे तो हमें हुक्मरान नसीब फरमा और या अरब हमारे हमारे मुल्क को इस्लाम का उसमें गलबा नसीब फरमा इस्लाम का बोल बला नसीब फरमाशी एतबार से सियासी एतबार से हर एतबार से उसके अंदर बुलंदी नसीब फरमा अरब हमारे हम जो इस मुल्क में रहते हैं या लसन खैर नसीब फरमा जो लोग भी जिन ममालिक में रह रहे हैं अरब हमारे उसको वो उनकी उन दुआओं को कबूल फरमा है हमारी इस मुल्क ये एक जो कि अरब हमारे मुकदस सरजमीन है जो कि हमारे इसको वाकई तोहहीद का मरकज बनाने की तोफीक नरमा यहाँ से तोहद का बोल बला फरमा अरब हमारे यहाँ उम्र और हज को जारी फरमा अरब हमारे इस साल भी जिन लोगों ने हज का इरादा किया है जारी फरमा दे और अरब हमारे यहाँ पर जो भी जो भी इस तरह के मामला हैं अरे हमारे अपने फर्जल कर्म से तू इसके अंदर मदद फरमा जो हाँ। भी खराबी है अरब हमारे तो दूर फरमा हमारे खताओं से दरगुजर फरमा अल अरब हमारे तो हमें तमाम खताओं से दरगुजर फरमा दीन का सही फहमता फरमा दीन का सही समझ नसीब फरमा जो बात भी जो भी अभी आए हैं अरब हमारे सब पर अमल करने की तोफ़ी नसीफ़ फरमा अपने फजल से सब पर तोफ़ी नसीब फरमा अरब हमारे बीमारों को शफा आता फरमा शफा कामला नसीब फरमा अल्लाहाना वो मरदल अवल मुसलमाना वो मरदल मुसलिम अवल मुसलमत रबनासी और ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على من قبلنا الحمد لله ما لا طاقة لنا به واف وَغَفِرَ واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين جزاكم الله خير تمام بھائیو